हेलो स्टूडेंट, स्वागत 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 सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि केम डीटीएस के यूट्यूब पे ऑनलाइन सॉल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं, तो उसी सीरीज में आगे का जो केम डीटीएस 6 है उसका हम यहाँ सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं मेरे को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मायसेल्फ आरसी देवाल, टीम केमिस्ट्री, सीएलसी सीकर। बात करेंगे आज का टॉपिक कौन सा है, इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो आज का टॉपिक जो हमारा है, जैसा आपको नजर आ रहा है, मेटलर्जी डी ब्लॉक एफ ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब डी एफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स ब्लॉक केमिस्ट्री आ गई, एक्सेप्ट एस ब्लॉक को छोड़ के, बाकी इसके अलावा मेटलर्जी आ गई। सभी को पता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहां से एग्जाम में आता है, एनसीईआरटी से आता है। होपफुली आप पेपर को एंजॉय कर, आपने पेपर को एंजॉय किया होगा, सॉल्यूशन को भी एंजॉय करोगे। मैंने ऑलमोस्ट पेपर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बनाया है। अगर आपने वाकई में ढंग से एनसीईआरटी को रीड किया है, हर एक स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ा है, तो क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कहां कहां मिस्टेक हुई, क्यों मिस्टेक हुई, उसका रीजन भी हम यहाँ देखेंगे। साथ के साथ उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो कंसेप्ट बनेगा उसको भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डाइबोरेन, यू नो बोरोन फैमिली का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में डाइबोरेन के सभी मेथड्स दिए हुए हैं, उसी की बात कर रहे हैं। तो डाइबोरेन के रिगार्डिंग हमसे पूछा गया है, और सबसे पहले ये ध्यान रखें कि स्टेटमेंट पूछा गया है वो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। डाइबोरेन इज ए कलाइड एंड हाईली टॉक्सिक नेचर, स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि डाइबोरेन कलरलेस होता है, कलर्ड नहीं होता है, ये कलरलेस होता है, टॉक्सिक नेचर का होता है। तो स्टेटमेंट सही कब होता है, डाइबोरेन इज ए कलरलेस एंड हाईली टॉक्सिक इन नेचर, तब स्टेटमेंट सही होता। अभी फिलहाल जिस सिचुएशन में आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। फिर लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट विद आयोडीन, ये भी एनसीईआरटी का मेथड है, आपको दिया हुआ है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 इसकी रिएक्शन I2 से करवाता हूं इन प्रेजेंस ऑफ पॉलीइथर, पॉलीइथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और बनता है 2NaI और B2H6, या फिर मैं बोल दूं बनता है BH3, जो डाइमराइज होकर किसमें आ जाता है, B2H6 में आ जाता है। अब यहां देखें I2 जीरो ऑक्सीजन स्टेट में है, यहां पे किसमें आ गया 2NaI, यहां -1 में आ गया, ठीक है। तो जीरो से ये -1 में गया है, मतलब किसका काम कर रहा है, ये खुद का रिडक्शन हुआ है तो कर क्या रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो यहां पे ये स्टेटमेंट सही है। इट बर्न इट ऑक्सीजन रिलीजिंग एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, डेफिनेटली B2H6 एनर्जी का काफी अच्छा सोर्स है। ये बर्न होता है एयर की प्रेजेंस में और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, इसका हीट ऑफ कंबसन वेरी हाई होता है। हाइड्रोजन के बाद अगर किसी और कंपाउंड की बात करें तो हाइड्रोजन के बाद सेकंड नंबर पे यही डाइबोरेन आता है जिसका हीट ऑफ कंबसन बहुत ज्यादा हाई होता है, और रॉकेट फ्यूल में एज इसको यूज लेते हैं, रॉकेट फ्यूल में हम इसको यूज लेते हैं। तो यहां रिएक्शन क्या होगी कि B2H6 बर्न होगा एयर की प्रेजेंस में और बनाएगा B2O3 और साइड में H2 रिलीज होगा। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, जब ये रिएक्शन होती है तो यहां -1976 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर है बोरोन्स आर रेडीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू गिव मेटाबोलिक एसिड, डेफिनेटली हाइड्रोलाइज होते हैं बट मेटाबोलिक एसिड नहीं देते, पेरेंट एसिड देते हैं बोरोन का, और वो पेरेंट एसिड ये वाला मेटाबोलिक एसिड नहीं देते हैं, ये देते हैं कि B2H6 रिएक्शन करता है वाटर की प्रेजेंस में और ये बनाता है BOH का होल प्राइस, मतलब बोरिक एसिड देता है, मेटाबोलिक एसिड नहीं देता। तो इसका मतलब बी स्टेटमेंट भी गलत हो गया, आपसे पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट चेक करने जाएंगे तो बी और सी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, ओके। बोरोन फैमिली का क्वेश्चन है, डाइबोरेन की प्रॉपर्टी और उसकी रिएक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट,
वापस आपसे रिएक्शन पूछी है कि कौन सी रिएक्शन करेक्ट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, Na2B4O7 वेल नोन कंपाउंड है, सभी जानते हैं, बोरेक्स इसको बोला जाता है, HCl+H2O मतलब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, यहां एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा और बोरेक्स का हाइड्रोलाइसिस होता तो बोरिक एसिड बनता है, ये बोरिक एसिड बन गया, बोरेक्स के हाइड्रोलाइसिस से बोरिक एसिड बनता है, ये बोरिक एसिड बनाने का मेथड भी है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये सही स्टेटमेंट, सही रिएक्शन है। SN+2H2O हीट की प्रेजेंस में, ये हीट दिया हुआ है ना, मतलब यहां पे वेपर पास आउट किया आपने SN की, वाटर की वेपर पास आउट किया, तो SN2+2H2 ये कैसे हो सकता है, H2O से वापस H2 कैसे बन गया, तो ये तो पता लग रहा है कि रिएक्शन गलत है। सही रिएक्शन क्या होती है, SN+2H2O रिएक्ट करता है तो बनाता है SNO2 और H2। जैसे कार्बन अगर H2O वेपर से रिएक्ट करता है, ये जो H2 लिया ना मैं, इन फॉर्म ऑफ वेपर हाई टेंपरेचर पे रिएक्शन होती है, और यहां H2 लेता हूं तो बनता है CO+H2, वैसे ही इसका ऑक्साइड बन गया और H2 बन गया, ऐसे इसका ऑक्साइड बन गया और H2 बन गया, तो यहां पे जो गिवन रिएक्शन है वो रिएक्शन गलत है, ये गलत है। नेक्स्ट रिएक्शन, कार्बन ऑक्सीजन और N2, मतलब कार्बन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एयर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहां पे क्या बनता है, यहां पे बनता है CO+N2 जिसको हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, यहां बनता है और ये 1:2 में होती है, पता होना चाहिए रेशो, पता होना चाहिए 1:2 में बनता है, CO+N2 बनता है, बट यहां प्रोडक्ट गलत दिया हुआ है, CO2+N2 दिया हुआ है, CO2 नहीं बनेगी, तो ये वाला भी गलत है, बी भी गलत था, सी भी गलत है, ये वाला आपने क्या लिया, कार्बोनेट लिया, ये कार्बोनेट लिया और यहां पे क्या ले रहे हो, एसिडिक मीडियम ले रहे हो, तो H+ जाएगा और क्या बना देगा, H2CO3 बना देगा और H2CO3 किसमें टूट जाएगा, H2O और CO2, और इसके अलावा और इंफॉर्मेशन दूं तो डी जो मेथड है ना वो लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CO2, CO2 के बनाने का लैब मेथड है डी ऑप्शन में, ये वाला लैब मेथड है, तो ये वाला भी सही है, तो इसका मतलब ए स्टेटमेंट सही था, ए रिएक्शन सही थी, डी रिएक्शन सही थी, ऑप्शन को चूज करने जाएंगे तो आंसर आएगा थर्ड इज करेक्ट आंसर, ये कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, चूज इन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट SiO2 एंड CO2, दोनों ही ऑक्साइड कार्बन फैमिली में, दोनों ही एक्सप्लेन किए हुए हैं, वेल नोन इनकी प्रॉपर्टी, बनाने के मेथड्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की है, तो आपसे पूछा है कि SiO2 और CO2 के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ CO2 इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, बायो के बच्चे को पढ़ते भी होगा कि CO2 जब अमोनिया के कॉन्टेक्ट में आएगा तो यूरिया बनेगा, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, सही हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, डेफिनेटली करता है, डिट्टो लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई एप्लीकेशन देखो कि मिल जाएगा। SiO2 कैन रिएक्ट विद हैलोजन डाइहाइड्रोजन एंड मोस्ट ऑफ द एसिड एंड मेटल्स एट इवन एट 11 इलेवेटेड टेंपरेचर। नाउ SiO2 क्या है, SiO2 3D सिलिकेट है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल है, जेंट मॉलिक्यूल है, मेट्रो मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है SiO2, और SiO बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, SiO बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, ये रिएक्ट नहीं करता है, SiO2 ऑलमोस्ट इनर्ट नेचर का होता है, SiO2 रिएक्ट करता है NaO से, SiO2 रिएक्ट करता है HF से, रिएक्ट ये भी देखो, रिएक्ट विद NaOH एंड HF, इनके साथ ही रिएक्ट करता है, बाकी रिएक्ट नहीं करता है, तो मैंने बोला कि सबके साथ, क्या हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है, नहीं करता है, डाइहाइड्रोजन के साथ भी नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। एन एमोरफस फॉर्म ऑफ सिलिका इज यूज्ड इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स, जी हाँ, SiO2 का यूज हम फिल्ट्रेशन प्लांट, मतलब बोलते हैं छनित्र संयंत्र में करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। सिलिका जेल इज यूज्ड एज ए ड्राइंग एजेंट,
जी हाँ, सिलिका जेल भाई, बहुत सारे कंपाउंड है जिनको हम कई गैसों को ड्राई करने के लिए काम लेते हैं, तो सिलिका जेल भी एक इसका एग्जांपल है। मैं इसका और वेल नोन बता देता हूं। आपने कभी मार्केट से नए शूज खरीदे होंगे, तो उस शूज के अंदर अगर अच्छे ब्रांड के शूज आप खरीदते हो, तो उसके एक छोटा सा कागज का पैकेट आता है ऐसे बना हुआ, या कोई और भी कोई पैकेट खरीदते हो तो उसमें उसमें सिलिका जेल रहती है, जिससे वो जैसे शूज खरीदा आपने तो उसको मॉइस्चर से बचाएगा, वो तो ड्राइंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, कई बार आपने बाहर से या ऑनलाइन भी जब भी शॉपिंग की होगी, तो कोई पैकेट आपके पास, पार्सल आपके पास आया होगा, तो उसमें एक छोटा पैकेट आता है, उसमें सिलिका जेल होता है। वो सिलिका जेल उस कंपाउंड को या वो भी जो भी उसके अंदर है उसको मॉइस्चर से बचाता है। जैसे शूज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो सिलिका जेल इज यूज्ड एज ए गुड ड्राइंग एजेंट, सही बात है, एज ए सपोर्ट फॉर क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल एज ए कैटलिस्ट। जी हाँ, क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज के रूप में या तो एल्यूमिना को यूज में लेते हैं या सिलिका जेल को यूज में लेते हैं। आपने पढ़ी होगी क्रोमेटोग्राफी, आपकी मेटलर्जी में भी है, 11th क्लास में भी है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वहां क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं, तो आप देखना वहां लिखा हुआ है कि सिलिका जेल एंड एल्यूमिना Al2O3 यूज्ड एज ए स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट सही है। हमें पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो पहला सही था, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो आया है अपने पास वो आया है सेकंड, तो आंसर जाएगा सेकंड, एडिट आउट। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस सिलिकेट से राउंड है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर सिलिकेट, ये भी सभी एनसीईआरटी की ही लाइन है, सिलिकेट के लिए इनकरेक्ट बोलना है। फेल्डस्पार, जियोलाइट, माइका एंड एस्बेस्टोस आर एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलिकेट, डेफिनेटली दीज आर सभी, ये जितने भी हैं वो सब नेचुरल सिलिकेट है, नेचुरल सिलिकेट के एग्जांपल है, तो स्टेटमेंट सही है। सिलिकॉन्स आर ए बायोकंपैटिबल बट यूज्ड इन सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स, ये भी सही है, ये सिलिकॉन जैव संगत होते हैं परंतु इनका उपयोग शल्य क्रिया तथा प्रसाधन संयंत्र में बनाने में होता है। इंफॉर्मेशन बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है, आप देखोगे SiO2 के जहां यूज, सिलिकॉन्स के जहां यूज लिखे हुए हैं वहां पे ये लाइन लिखी हुई है, तो ये भी सही है। JSM टाइप वेल नोन है, सभी बच्चे जानते हैं, यूज टू कन्वर्ट गैसोलीन डायरेक्टली इनटू अल्कोहल, ना गलत स्टेटमेंट है, अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करता है, गैसोलीन को अल्कोहल में नहीं करता है। तो ये करता क्या है कि अल्कोहल जो है ना, अल्कोहल JSM5 ये सिलिकेट ही होता है और ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, इसको गैसोलीन, गैसोलीन को अल्कोहल में नहीं करता है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। SiO2 इज एग्जांपल ऑफ 3D सिलिकेट, स्टेटमेंट सही, तो आंसर इसका इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट के बेस पे आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड। ओके नेक्स्ट, सिंपल, होपफुली सभी बच्चों का सही हुआ होगा, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 ग्रुप के जो एलिमेंट है, कार्बन है, सिलिकन है, लेड है, SN है, एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4, ना भाई यहां 14 ग्रुप का जो कॉन्फिगरेशन है ना वो है NH2 और NP2, तो केवल अगर P के पार्टिसिपेट करे तो +2 शो करेगा, और P और S दोनों के पार्टिसिपेट करे तो +4 शो करेगा। अब इसी को इनर्ट पेयर में, इसको तो बोल देते हैं LOS, ये तो होती है इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये वाली होती है इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो LOS की स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और HOS की जो स्टेबिलिटी है, HOS स्टेबिलिटी वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका नाम है। तो हमें पता है कि ग्रुप 14 के जो एलिमेंट है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं, तो क्या केवल +4 गलत, क्या केवल +2 गलत, क्या +2 एंड +4 सही, -2 एंड M-4 आयंस नहीं बनाते हैं। जनरली इस ग्रुप की जो जनरल ऑक्सीजन स्टेट होती है वो +2 और +4 होती है, तो इसका आंसर जाएगा थर्ड, ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये वाला भी इजी क्वेश्चन है, द ओर दैट कंटेन बोथ आयरन एंड कॉपर, कि वो कौन सा ओर है जिसमें आयरन और कॉपर दोनों है। तो पहला मैंने क्या बोला, डोलोमाइट, डोलोमाइट में दो मेटल तो हैं, बट हैं कौन से, CaCO3 और MgCO3, दिस इज डोलोमाइट। दूसरा मैंने बोला मेलेकाइट, मेलेकाइट होता है CuOH का होल ट्वाइज डॉट CuCO3,
बेसिक कार्बोनेट, दिस इज ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर का होता है। और ये बनता कब है ये भी बता दूं कि अगर कॉपर मॉइस्ट के कांटेक्ट में आएगा तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। कॉपर के बर्तन आपने देखे होंगे जब बारिश के दिनों में उनके ऊपर ग्रीन लेयर बन जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेलेकाइट। तो मेलेकाइट में दोनों ही कॉपर है, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम एजुराइट, तो 2CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। और एजुराइट किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। तो इसमें भी दोनों कॉपर है। कॉपर पायरिटी सभी को पता है, CuFeS2 कॉपर की मेटलर्जी इसी से करते हैं। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ, सिंपल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बिलोंग करता है एलिंगम डायग्राम से। एलिंगम डायग्राम में हम क्या पढ़ते हैं कि नीचे वाले मेटल कैन रिड्यूस, नीचे वाले जो मेटल हैं वो अपने से ऊपर वाले मेटल को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अपने से ऊपर वाले मेटल के मेटल ऑक्साइड को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वापस सुन ले एलिंगम डायग्राम का प्रिंसिपल क्या है। मेटल जो नीचे की तरफ है वो अपने से ऊपर वाले मेटल के मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहां बोला था करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन एलिंगम डायग्राम। आपको एलिंगम डायग्राम दिया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि 1400 एल्युमिनियम कैन बी यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जेडन। मतलब क्या जेडनों को एल्युमिनियम से रिड्यूस करा सकते हैं क्या जिंक में? तो सीधे सा बात है कि एल्युमिनियम नीचे आना चाहिए, जेडन ऊपर जाना चाहिए। तो देखते हैं, और टेम्परेचर बोला है 400, तो यहां देखो एल्युमिनियम ये वाला रहा और जिंक यहां वाला ये रहा। तो जिंक तो हमेशा ही आप यहां तक जाओगे तो ऊपर ही है और एल्युमिनियम नीचे ही है। तो क्या इजी वे में इसका रिडक्शन कर सकता है क्या? डेफिनेटली कर सकता है। नीचे वाला जिसका डेल जी मोर नेगेटिव है वो लेस डेल जी नेगेटिव वाले को रिड्यूस कर सकता है। इसका डेल जी मोर नेगेटिव है तो इसको रिड्यूस कर सकता है। तो स्टेटमेंट सही है। एट 500 ये स्टेटमेंट सही है। अब उसके बाद वापस इसको साफ कर लेते हैं। एट 500 degree कोक कैन बी यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जेडन फ्रॉम जेडन। 5 degree 100 degree Celsius ये रहा, यहां रहा और कोक ये रहा। तो देखो यहां पे 800 डिग्री सेल्सियस तक कार्बन ऊपर है और जिंक नीचे है। उसके बाद भाई 800 डिग्री सेल्सियस के बाद तो कार्बन कैन बी रिड्यूस ZnO, बट बिफोर 800 डिग्री सेल्सियस कैन नॉट बी रिड्यूस, ये रिड्यूस नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कोक कैन बी यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम Cu2O। गुड, ये बोला है कि क्या Cu2O को कार्बन से रिड्यूस कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं भैया। कॉपर की मेटलर्जी में जब कॉपर का रिडक्शन करते हैं तो कॉपर का सेल्फ रिडक्शन भी होता है, कॉपर का कार्बन रिडक्शन भी पॉसिबल है। डिपेंड करेगा आपने कैसा ओर लिया है। यदि आपने लो ग्रेड ओर लिया है ठीक है तो हम कर सकते हैं, उसका सेल्फ प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि सेल्फ प्रोडक्शन कराओगे तो रोस्टिंग प्रोसेस जब करवाते हो तो कंप्लीट Cu2S कन्वर्ट इन Cu2O, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। अगर लो ग्रेड में करवा रहे हो, लो ग्रेड उसमें कॉपर कम है तो, और अगर ज्यादा है तो सेल्फ प्रोडक्शन पॉसिबल है। तो यहां मैंने क्या बोला है कि क्या करवा सकते हैं, तो इस डायग्राम से देखेंगे तो भी कर सकते हैं। कार्बन नीचे है, कॉपर ऊपर है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और वैसे भी करवाते हैं भैया, मेटलर्जी में भी यूज में लेते हैं। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आगे भी मिलेगा आपको। 800 डिग्री सेल्सियस कार्बन Cu कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, क्या कॉपर यूज में ले सकते हैं क्या? ना, कॉपर ऊपर है जिंक नीचे है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये वाला कोक कैन बी यूज, तो ये भी गलत हो गया, ये भी यूज गलत हो गया। क्योंकि यहां क्या बोला हुआ है, कोक कैन नॉट बी यूज, और मैं बोल रहा हूं कैन बी यूज्ड, तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना। ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। फिर बोला है ठीक है, तो यहां पे हमसे पूछा है कि ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है, तो ट्रू स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एलिमेंट यूज फॉर द मेकिंग डिस्चार्ज ट्यूब्स एंड फ्लोरोसेंट बल्ब्स फॉर एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले, कौन से एलिमेंट? इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इनर्ट गैस की एप्लीकेशन आप पढ़ोगे, उनके यूजेज पढ़ोगे तो वहां आपको ये लाइन मिल जाएगी। नियोन का यूज हम करते हैं,
तो आंसर जाएगा थर्ड, इसमें कोई कंसेप्ट तो लगेगा नहीं, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझे इसको और कॉपर की मेटलर्जी को क्लियर करें। मैं इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा अपन को, पर मैं चाहता हूं कि कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर हो, क्वेश्चन जो गलत हुए हैं वो सही भी होने के आगे तो सही हो कम से कम। ये पेपर सॉल्व करने के बाद हो सकता है आपके मार्क्स कम आ रहे हो, बट पेपर सॉल्व ढंग से दोबारा करोगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी पेपर से। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर की मेटलर्जी के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट हो जाए। CuFeS2 are heated in river battery furnace after mixing with silica. Definitely silica के साथ CuFeC2 को heat करते हैं। In the furnace, iron oxide slag of Ag iron silicate and copper is produced in the form of copper mate that contain Cu2S and FeS. पहले तो देखो copper mate का formula सही है, ठीक है। अब देखो CuFeS2 इसको heat किया तो टूटा Cu2S और FeO में, FeS सॉरी। फिर आपने क्या बोला Cu2S ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि आप क्या करवा रहे हो रिवर बैटरी फ्यूरनेस में आप करवा रहे हो, तो यहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो Cu2 ये चला जाएगा Cu2O में, और साइड में कौन सी आ जाएगी SO2। FeS भी रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से और ये भी चला जाएगा FeO में और SO2 में, बट यहां पे क्या होगा ये Cu2O जो कन्वर्ट हुआ ना उसके साथ भी FeS रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि आयरन की ऑक्सीजन के लिए भाई मैंने क्या बोला Cu2S भी Cu2O में जा रहा है, FeS भी FeO में जा रहा है, बट FeS ये जो Cu2 जा रहा है ना इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि आयरन है मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन कंपेयरेटिव टू कॉपर, कॉपर की तुलना में आयरन की ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी ज्यादा है। एलिगम डायग्राम में देखो तो आयरन नीचे है, ठीक है, तो ये इससे ऑक्सीजन वापस छीन सकता है और इसको कन्वर्ट कर देगा Cu2S में और खुद आ जाएगा FeO में। तो मैक्सिमम FeS FeO में जा चुका है और जो FeO है ना FeO है ना वो SiO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा FeSiO3 सिलिकेट बना देगा। अब फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा ना वो बनेगा Cu2S और FeS केवल कितना बचा है, FeS बचा है 2% और ये बन गया आपको 98%। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग, ये रोस्टिंग का प्रोडक्ट है जिसको आप बोलते हो कॉपर मेट। अब इसका बेसेमरी कन्वर्ट में डालते हैं सिलिका की लाइनिंग के साथ जो सेल्फ प्रोडक्शन वाली प्रोसेस आगे होती है। अब वापस स्टेटमेंट पे आते हैं, पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है। CuFeS2 are heated in river battery furnace after mixing with silica in the furnace iron oxide slag of Ag iron silicate. ये आ गया iron silicate. And copper is produced in the form of copper mate. तो स्टेटमेंट क्या है सही है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, बाकी मैं थोड़ी को मिटाऊंगा, जगह चाहिए मुझे, ओके चलो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही आया, तो आप पढ़ोगे ये पूरी की पूरी लाइन एनसीईआरटी में मिलेगी आपको ऐसी की ऐसी। ऑक्साइड Cu2 कैन इजीली रिड्यूस टू मेटालिक कॉपर यूजिंग कोक, क्या कोक को यूज करके Cu2 का रिडक्शन कर सकते हैं, तो मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बोला था जी हाँ कर सकते हैं, Cu2O का हम रिडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि एलिगम डायग्राम यहां हमें इसके लिए एलिगम डायग्राम परमिशन दे रहा है, कोक नीचे है कॉपर ऊपर है तो आसानी से कर सकते हैं और करते भी हैं, क्योंकि अगर आपने सेल्फ प्रोडक्शन कब लोगे जब CuFeS2 लोगे तभी तो लोगे ना, तभी तो सेल्फ प्रोडक्शन होगा, सल्फाइड आयन आएगा तभी तो सेल्फ प्रोडक्शन होगा। अगर मान लो आपने CuCO3 लिया, अब उसमें तो आपको कार्बन रिडक्शन करवाना पड़ेगा, वहां तो सल्फर है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट सही है। कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाई हाइड्रोमेटलर्जी फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स। अब देखो जहां ओर की और की जो क्वालिटी है वो लो है या उसमें और बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, उस कंडीशन में हम कॉपर की हाइड्रोमेटलर्जी करवाते हैं, उस कंडीशन में कॉपर की हाइड्रोमेटलर्जी करवाते हैं। एजी गोल्ड एल्यूमिना की तो करवाते हैं, इसके अलावा इसकी भी करवाते हैं, ये भी लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई मिलेगी, और ये मैं बोल दूं ये हाइड्रोमेटलर्जी जिसको हम बोलते हैं पहले हाइड्रोमेटलर्जी मतलब जिसमें लीचिंग करवाते हैं, तो ये लीस्ट बाय
एसिड, किससे करवाते हैं? एसिड से लिस्ट करवाते हैं, सी यू प्लस टू और ये टू एच प्लस और ये कॉपर, ये लिस्ट कॉपर है, लीचिंग करवाया है एच प्लस एसिड से, एच टू से करवाया, सॉरी एच टू हाइड्रोजन से करवाया, लिस्ट बाई हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पे कॉपर तो बनेगा ही बनेगा, साथ के साथ आपके पास और क्या बन जाएगा, ये कॉपर बन गया और साइड में क्या आ जाएगा, एच टू आ जाएगा, ठीक है। तो यहां एक मिनट मैं इसको वापस से आपको एक्सप्लेन करता हूं, लिस्ट बाय एसिड, एसिड से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी, तो डेफिनेटली करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब लास्ट वाला स्टेटमेंट देखो, इफ लो ग्रेड कॉपर ओर आर अवेलेबल विथ जिंक एंड आयरन स्क्रिप्ट्स, मतलब कॉपर किसके साथ प्रेजेंट है, जिंक के साथ, और कॉपर किसके साथ प्रेजेंट है, आयरन के साथ। मतलब यहां पर यह बोला है कि कॉपर के साथ जिंक भी है और आयरन भी है, दोनों है। स्टेटमेंट को देखें, इफ लो ग्रेड कॉपर ओर्स आर अवेलेबल विद जिंक एंड आयरन स्क्रिप्ट्स, मतलब कॉपर के साथ जिंक भी है और आयरन भी है, देन फॉर रिडक्शन ऑफ लिस्ट कॉपर, मतलब पहले हमने उस कॉपर की लीचिंग कर ली है जिसको हाइड्रोमेटलर्जी हम बोल रहे हैं, देन फॉर रिडक्शन ऑफ लिस्ट कॉपर और जिंक स्क्रैप विल बी एडवांटेजेबल एंड एडवांटेजेस। अब मुझे ये देखो कि जिंक मोर रिएक्टिव देन आयरन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ ईसीएस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये पता लगता है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, बट इसमें जिंक का यूज नहीं करते। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये बोलती है कि जिंक को हम यूज ले सकते हैं क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। ये आपको आपके इंटेक्स क्वेश्चन का एग्जांपल है, इंटेक्स क्वेश्चन मिलेगा, मेटलर्जी वाले चैप्टर में जाओगे तो वहां ये स्टेटमेंट आपको डिटो मिल जाएगा। रिएक्टिविटी बेस पे जिंक, हमें जिंक की परमिशन मिल रही है कि जिंक से करवाना चाहिए रिडक्शन, बट ना इसका रिडक्शन करवाते हैं आयरन से, क्योंकि जिंक जो मेटल है ना वो कॉस्टली मेटल है, जिंक कॉस्टली मेटल है, इसलिए जिंक से नहीं करवाते हैं, करवाएंगे किससे, आयरन से करवाएंगे। वापस सुनिए क्या बोला है, इफ लो ग्रेड कॉपर ओर आर अवेलेबल विद जिंक एंड आयरन, जिंक और आयरन के साथ अवेलेबल है, देन फॉर रिडक्शन ऑफ लिस्ट कॉपर ओर जिंक स्क्रैप्स विल बी एडवांटेजेबल एंड एडवांटेज्ड। तो यहां पे ये वाला यूज में नहीं लेते भैया, ये वाला यूज में नहीं लेते हैं, उसका रीजन मैंने बोल दिया है कि क्यों नहीं यूज में लेते हैं, समझ में आ गया होगा कि इसका रीजन ये है कि यूज में इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जिंक कॉस्टली मेटल है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है, बाकी सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है, बाकी ऑल आर करेक्ट, ठीक है। ये कॉपर की मेटलर्जी एनसीईआरटी में जाओगे हर एक स्टेटमेंट आपको वहां पे मिल जाएगा, तो आप ऐसा नहीं क्लेम करोगे कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बिल्कुल नहीं क्लेम करोगे, एनसीईआरटी की ही लाइनें हैं सारी। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, द पेयर दैट कंटेन टू पीएच बॉन्ड, दो पीएच बॉन्ड होने चाहिए एंड थ्री पीओ बॉन्ड होने चाहिए। अब थ्री पीओ बॉन्ड के लिए एटलीस्ट तीन फॉस्फरस तो होने चाहिए, और वो आप देखोगे कि पहले मैं बोलता हूं और वो भी बॉन्ड रेस्पेक्टिवली H3PO2, तो इसमें टू पीएच बॉन्ड है, कितने हैं इसमें, टू पीएच बॉन्ड है, H4P2O5, ये तो हो गया ये वाला, और H4P2O5 पायरो फॉस्फोरस एसिड, पायरो फॉस्फोरस एसिड ये वाला होगा, H4P2O5, तो इसमें भी तीन पीओ बॉन्ड तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा। H4P2O5, H3P3O9, H4P2O5 की स्ट्रक्चर ये है, इसमें दो पीएच बॉन्ड है, छोड़ी दो पीएच बॉन्ड है, एक ये रहा और एक ये रहा, दो पीएच बॉन्ड है। H3P3O9 ये कौन सा है, प्राइमर ऑफ HPO3 का होल्ड राइट, मतलब प्राइमर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड,
ट्राइमर, ट्राइमर ऑफ मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो इसका ट्राइमर बनाऊंगा, तो ट्राइमर का मतलब ट्राइमर है, तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन अल्टरनेट ऑर्डर में, डबल बॉन्ड ओ ओ एच, डबल बॉन्ड ओ ओ एच, डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच। तो क्या इसमें तीन पीओ बॉन्ड है क्या, और इसमें दो पीएच बॉन्ड है, तो आंसर सेकंड आ रहा है H3P3O9 में। तो उल्टा हो गया, हमें रेस्पेक्टिवली पूछा है इसलिए ये नहीं आएगा। H3P3O9, H3P3O9 दोनों ही हो तो ना, ये X सीरीज का एसिड है, X सीरीज में पीएच बॉन्ड नहीं आता है, पीएच बॉन्ड केवल S सीरीज के एसिड में आता है, और ये मैंने बोला मेटा फॉस्फोरिक एसिड, तो ये दोनों ही, इसमें तो पीएच बॉन्ड आने की पॉसिबिलिटी है नहीं, तो आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, द 103 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट एक्स विद एन एटॉमिक नंबर ऑफ 103 एंटर इन द ऑर्बिटल। कि अगर ये एलिमेंट है आपके पास, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, तो आप देखो ये किसका है, ये एक्टिनोइड एलिमेंट है, किसका है, एक्टिनोइड एलिमेंट है, एक्टिनोइड एलिमेंट, एक्टिनोइड, और एक्टिनोइड एलिमेंट का कॉन्फिगरेशन क्या लिखते हैं, RN रेडोन, उसके बाद किसमें जाता है 5F, सॉरी उसके बाद जाता है, ये तो हो गया 86, ये तो हो गया 86, ये तो इनर्ट गैस हो गई। अब आपके पास आगे 7S है, 5F है और 6D है, इनमें N प्लस L की वैल्यू देखोगे तो पहले 7S, इसका N प्लस L का वैल्यू कितना है, N प्लस L का वैल्यू इसका कितना है 7+0, इसका कितना है 5+2 और इसका कितना है 6+2। तो सबसे पहले किस में जाएगा, सबसे पहले वहां जाएगा जहां N प्लस L का वैल्यू सबसे कम हो, तो वो है किसमें, 7S में, मेरी बात समझ में आ रही है, 5 प्लस सॉरी इसका भी आ जाएगा, S के लिए 0 होती है, F के लिए, L की वैल्यू जो है वो S P D F, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, ये L की वैल्यू है, तो इसके लिए आ जाएगा 7+0, फिर 5+3 और फिर 6+2। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, 7s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, यहां n प्लस l की वैल्यू सेम है तो फिर उसमें जाएगा जिसमें n प्लस l की वैल्यू कम हो, कम किसकी है, 5f की कम है, तो फिर 5f में, लास्ट में किसमें जाएगा, 6d में जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर जो रहेगा वो सबसे पहले 7s में जाएगा, उसके बाद 5f में जाएगा, उसके बाद 6d में जाएगा। तो देखिए अब आपके पास 103 है, तो वन जो एक्टिनोइड एलिमेंट जो है वो कहां से स्टार्ट होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं, 90 से, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99 और 100, 101, 102 और ये 103। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप बोल रहे हो कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 7s में, तो 7s की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है, 7s की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की, दो इलेक्ट्रॉन की, तो सब में दो दो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये लो, इनमें सब में दो दो इलेक्ट्रॉन चला जाएंगे, ये, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 5f में, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन किस में जाने वाले हैं, 5f में जाने वाले हैं। अब 5f में यहां पे इसका एटॉमिक नंबर 90 है, 86 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, यहां पे अगर एलिमेंट अरेंज करेंगे अपन तो 86 के बाद चार चाहिए, तो चार का मतलब कितने जाएंगे, दो जाएंगे, हो गए चार, इसमें तीन जाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अब इसमें 15 नहीं हो सकता क्योंकि 5F में 14 ज्यादा नहीं जाएंगे, तो इसमें 14 और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसके बाद इसमें जाएगा, 6D है, तो यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है इसमें, तब जाके इसके 103 हुए हैं। देख लो आप यहां पे
वहां पे है 86, 86 में आप 70 जोड़ोगे तो 103 आएगा। आगे बात समझो, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, 6d में। ऐसे ही लैंथेनाइड एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 5d में, एक्टिनाइड एलिमेंट के लास्ट एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जाता है 6d में। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा 6d। समझ में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीसीज विल इंक्रीजिंग इन ऑर्डर। आपको यहां पे इनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है, और जिसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट, फिर एक नंबर पे कोबाल्ट आएगा, दो नंबर पे ये आएगा, तीन नंबर पे ये आएगा, चार नंबर पे ये आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, या रिडक्शन पोटेंशियल बना लो इनके, उससे भी कर सकते हो। तो आंसर जो जाएगा इसका जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट होपफुली सभी का सही भी हुआ होगा। ये वाला है द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फेल्डस्पार, जियोलाइट, माइका एंड एस्बेस्टोस, दीज आर सिलिकेट। अभी हमने पीछे देखा नेचुरल सिलिकेट, और सिलिकेट की जो बेसिक और जो फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो होती है SiO4 -4। तो आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच एलिमेंट हैव मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, कौन से एलिमेंट नजर आ रहे हैं, लैंथेनाइड। अब हम बोलते हैं कि आयनिक रेडियस है ना, आयनिक रेडियस वो Na+3 से और Lu+3 की तरफ जाऊंगा तो डिक्रीज होती है ड्यू टू Ln कॉन्ट्रेक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन के कारण क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है साहब, बट एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज नहीं होती है, पहले लेंथेनम से, ठीक है, SM तक डिक्रीज होगी, फिर EU की बढ़ेगी, EU की क्या होती है, इंक्रीज होती है, फिर वापस से कम होना स्टार्ट हो जाएगी। मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस जो होती है ना वो EU की होती है। तो आंसर तो ये आएगा। अब क्यों होती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस की बात की तो मतलब मेटल है, तो कौन सी बात करेंगे हम, मेटालिक रेडियस। और अगर मेटालिक रेडियस की बात करेंगे तो जहां मेटालिक स्ट्रेंथ सबसे कम रहेगी, मेटालिक बोन स्ट्रेंथ जहां सबसे कम रहेगी, मेटल मेटल के बीच अगर अट्रैक्शन कम है तो वहां रेडियस कम है तो रेडियस ज्यादा आएगी, और अगर ज्यादा अट्रैक्शन हुआ है तो रेडियस कम आएगी। तो ये मैं बोल दूं, मेटालिक बोन स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अब EU जो है ना, EU इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है ये जीनोन आ गया 4F7 और 6H2 ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन डू नॉट इन्वॉल्व इफेक्टिवली इन मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होता, जस्ट लाइक Mn। जैसे 3D सीरीज में मैग्नीज की बात करते हैं, मैग्नीज की रेडियाई बढ़ती है, वहां हम ये बात करते हैं कि स्कैंडियम से लेके Mn तक, ठीक है, स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, तो यहां तो पहले डिक्रीज होती जाती है क्योंकि यहां तो यहां मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ, तो रेडियाई क्या कर दी आपने, डिक्रीज कर दी। बट यहां पे इसकी एकदम से रेडियाई क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि ये इफेक्टिवली मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेशन नहीं लेता स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण। तो यहां भी ड्यू टू हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी इफेक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं लेगा और इसकी रेडियाई मैक्सिमम रहेगी। एनसीईआरटी में जाओगे, लेंथेनाइड एलिमेंट्स की टेबल दोगे, वहां आप इसकी रेडियाई पाओगे वो 199 पिकोमीटर। तो आंसर जाएगा, मैंने बोला है मैक्सिमम एटॉमिक रेडियाई, आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखो, द कंपाउंड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सुपर फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट बनाने के लिए, सुपर फॉस्फेट होता क्या है वो मैं बोल देता हूं कि CA का होल थ्राइज
PO4 का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 से, H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं, तो कंपाउंड आपके पास बनता है वो यहां बनता है CaHPO3 का होल ट्वाइस, HPO4 का होल ट्वाइस, ये वाला फॉर्मूला बनता है। तो ये जो बना ना, इसी का नाम है, यहां से ये H+ इसको सप्लाई कर रहा है, इसी का नाम है, वो है सुपरफॉस्फेट। तो जो सुपरफॉस्फेट बना वो किसकी हेल्प से बना, सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड की एप्लीकेशन पढ़ोगे तो वहां नजर आएगा कि H2SO4 की यूज में लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सुपरफॉस्फेट, फर्टिलाइजर है, बेस्ट फर्टिलाइजर होता है, तो सुपरफॉस्फेट के फॉर्मेशन में H2SO4 का यूज लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा वो थर्ड। इंफॉर्मेशन बेस्ट है, बता भी दिया कि क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट की रिएक्शन H2SO4 से करवाते हैं तो ये वाला कंपाउंड बनता है, इसी को हम बोलते हैं सुपरफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, वापस मेटलर्सी रिगार्डिंग क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, बोला है मेलेबल आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल आयरन। जी हां, उसमें कार्बन का कंटेंट सबसे कम होता है, कार्बन का परसेंटेज सबसे कम होता है, तो स्टेटमेंट सही है। कॉपर में इट हैव CU2O एंड FeS, गलत है, गलत है, CU2O की जगह क्या आना चाहिए, CU2S आना चाहिए, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। द ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ऑफ कॉपर ड्यूरिंग द मेटलर्जिकल प्रोसेस इज ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ CO2 ना, SO2 जब बाहर निकलता है तब उस कॉपर पे ब्लिस्टर्ड अपीयर होते हैं, फफोले अपीयर होते हैं, CO2 से नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। द होल हेराल्ड प्रोसेस, होल हेराल्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन, गलत हो गया, केवल ओनली फॉर एल्यूमिनियम, केवल एल्यूमिनियम के लिए करते हैं, आयरन के लिए नहीं करते, तो ये भी गलत हो गया, तो करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, केमनोफोर इज आर, केमनोफोर क्या है, डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, इट इज डार्क पर्पल क्रिस्टल विच हाईली सोल्यूबल इन वॉटर, गलत है, हाईली सोल्यूबल नहीं है, इट इज फेयरली सोल्यूबल, इट इज फेयरली सोल्यूबल मतलब लेस सोल्यूबल है, लेस सोल्यूबल है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। इट इज ऑक्सीडाइज Mn plus 2 salt in MnO2 in presence of Zn or ZnSO4, क्लियर है कि Mn plus 2 का कोई भी सोल्ट है उसको ये करता है MnO2 में क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, और ये जो रिएक्शन है वो Zn plus 2 salt की प्रेजेंस में होती है, कैटलिस्ट बाय Zn plus 2 salt, तो ये स्टेटमेंट सही है। NCERT का ये एप्लीकेशन है ये भी। इट इज यूज्ड फॉर द ब्लीचिंग ऑफ वूल कॉटन सिल्क एंड टेक्सटाइल फाइबर्स, जी हां हम इसका यूज करते हैं, टेक्सटाइल फाइबर्स और वुड कॉटन सिल्क इनको ब्लीचिंग करने में इसका यूज करते हैं, तो ये भी सही है, ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। इट इज वीक टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म, हाँ वैसे ये कंपाउंड जो है वो कैसा होता है, मैंने यहां बोला यहां पे ये डायमैग्नेटिक है, इट्स वीक टेम्परेचर डिपेंडेंट डायमैग्नेटिक, इसको डायमैग्नेटिक पढ़ें, इट्स वीक टेम्परेचर डिपेंडेंट डायमैग्नेटिक, जी हां ये टेम्परेचर डिपेंडेंट डायमैग्नेटिक है। वैसे तो इसको हम बोले कि कैसा है तो वे हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू, बात करें वैसे तो हम इसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, सही है, सॉरी, ओके 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 सही है सब कुछ, इट इज हां, जैसे अगर बात करें केमनोफोर की बात करें तो यह डायमैग्नेटिक होता है, बट टेम्परेचर बढ़ाने पर यह पैरामैग्नेटिज्म शो कर सकता है। वैसे अगर पूछे कि केमनोफोर क्या है तो डायमैग्नेटिक बोलेंगे, बट टेम्परेचर बढ़ाने पर यह पैरामैग्नेटिज्म शो कर सकता है, इसलिए यह स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। आपसे पूछा है इज आर, तो यहां पे आ जाएगा बी सी डी, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन दी है पी फोर वाइट, इसकी रिएक्शन करवाई सीएल टू गैसियस से और बना कि ए प्रोडक्ट बना। अब बच्चा यही कंफ्यूज हुए होंगे, आप भी कंफ्यूज हुए होंगे कि P4Cl2 से कराऊं तो PCl3 बनाऊं या PCl5 बनाऊं, तो इसका जवाब क्वेश्चन में ही है, एक क्या बना, एक क्या बना, लिक्विड, तो लिक्विड कौन होता है, मतलब ये क्या है PCl3,
क्या है ये PCl3, क्योंकि PCl5 जो है ना, PCl5 है ना वो येलोविश व्हाइट पाउडर है, मतलब ये सॉलिड है। PCl3 है ना कलरलेस ऑयली लिक्विड है, ये कलरलेस ऑयली लिक्विड है। तो यहां लिक्विड बोला है तो PCl3 बनेगा, और PCl3 का हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या बनेगा, H3PO3 आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ओजोन ये होता है और सल्फर डाइऑक्साइड ये होता है। चलो इसका बॉन्ड एंगल बता देता हूं, इसका 117 होता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 119। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड हैव सम प्रॉपर्टीज इन कॉमन। बोल रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो इन दोनों में कॉमन है। विच प्रॉपर्टी शोन बाय वन ऑफ दीज देयर कंपाउंड बट नॉट बाय अदर। ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड के कुछ गुण सामान्य हैं, इनमें से कौन सा एक गुण एक यौगिक दर्शाता है जबकि दूसरा नहीं। ठीक है, तो बोला है ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड हैव सम प्रॉपर्टीज कॉमन, विच प्रॉपर्टीज शोन बाय वन ऑफ द कंपाउंड्स बट नॉट बाय अदर, दूसरे के द्वारा नहीं सोल्व की नहीं शो करता है। तो देखो डिस्निफिकेंट, दोनों ही डिस्निफिकेंट है, ओजोन भी डिस्निफिकेंट है, SO2 भी डिस्निफिकेंट है। ब्लीचिंग एजेंट, जी हाँ SO2 है वो टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट है, ओजोन जो है वो परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट है। इज ए बैंड शेप्ड, दोनों ही बैंड शेप्ड है। इज ए जर्मिसाइड, ओजोन जर्मिसाइड है, ओनली ओजोन, तो आंसर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, ये दिया NH4Cl NaNO2 N2H2 और NaCl aqueous, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अबाउट रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो NH ये पहले क्या बनाएगा, ये बनाएगा NH4NO2, इसको हीट करते हो तो क्या बनता है, N2 बनाने का लैब मेथड है, N2 बनेगा। इट इज लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन, सही स्टेटमेंट है। Small amount of NO and HNO3 are also formed in this reaction. जी हाँ, definitely इस reaction में कुछ मात्रा में NO और HNO3 बनता है जो K2Cr2O7 के acidic solution से remove किया जाता है। NCERT में lab method पढ़ोगे वहाँ information मिल जाएगी। Small amount of NO and HNO3 are also formed in this reaction, सही है। Impurities किसकी? NO और HNO3 की impurities आई है। Can be removed by passing the gas through aqueous sulfuric acid containing potassium dichromate, सही है। Impurities can be removed by liquefaction or fractional distillation, ना liquefaction वो तो जब सारे totally gas होती है उनके boiling point में बहुत ज़्यादा difference होता है तब हम इस process को काम में लेते हैं, तो ये गलत हो गया। आपसे क्या पूछा है, incorrect statement, तो answer जाएगा हो जाएगा fourth। Next, assuming complete ionization, same mole of which of the following compound will require to maximum amount of acidify KMnO4, complete oxidation। क्या बोला है कि complete ionization है, same mole of which of the following compound will require the maximum amount of acidify KMnO4, complete oxidation। इनके same mole लेने हैं और सेम मोल लेने के बाद बताना है कि कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा KMnO4 को कंज्यूम्ड करेगा। तो देखो यहां पे Fe+2 है और SO3-2 है, फर्स्ट में, सेकंड में क्या है Fe+3 है, SO4-2 है, इसमें क्या है H2O2 है, इसमें क्या है Fe+2 है, SO4-2 है। तो इसमें Fe+2+3 में जाएगा, SO3 SO4-2 में जाएगा, तो +4 से +6, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन और यहां 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। इसमें ये वाला तो ऑक्सीडाइज फर्दर होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, तो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन मतलब 0 मोल रिक्वायर्ड होगी। H2O2 ये 2H+O2-2 ये ऑक्सीडाइज होगा तो किसमें चला जाएगा O2 में, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होगी 2 इलेक्ट्रॉन की, इसमें ये वाला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में, ये वाला नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा कहां इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है फर्स्ट,
तो यहां केमनोफोर सबसे ज्यादा कंज्यूम्ड होगा क्योंकि केमनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, व्हेन कार्बन इज हीटेड विद कंसंट्रेट HNO3 प्रोड्यूस, तो कार्बन कंसंट्रेट HNO3 क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग क्या हो गया एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और किसमें जाएगा ये किसमें जाएगा H2CO3 में, और ये खुद रिड्यूस होकर किसमें जाएगा NO2 में, H2CO3 किसमें टूट जाएगा H2O plus CO2 में, तो क्या रिलीज हो रही है CO2 और NO2, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, हाँ जी, मैच आइटम्स द कोलमन फर्स्ट विद आइटम्स ऑफ कोलमन सेकंड एंड असाइन द करेक्ट ऑर्डर। लीचिंग कब करते हैं, लीचिंग कब करते हैं, जब ओर इज सोल्यूबल इन सम सूटेबल सॉल्वेंट, जैसे एजी गोल्ड की लीचिंग करते हैं NaCN से, एल्यूमिना की लीचिंग करते हैं NaOH से, Na2CO3 से, होल प्रोसेस, बेयर प्रोसेस, सरफेस प्रोसेस, वैसे लीचिंग के लिए आएगा ये वाला Ma4 आएगा, तो Ma4 यहां दिया हुआ है, इनका गलत हो गया मतलब। फिर है हाइड्रोलिक वॉशिंग, ग्रेविटी सेपरेशन, जब ग्रेविटी में सेपरेशन हो तो यहां और पार्टिकल हेवियर देन गैंग पार्टिकल, और पार्टिकल ज्यादा भारी हो गैंग पार्टिकल की तुलना में, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग डिफरेंस इन ग्रेविटी ऑफ द गैंग पार्टिकल, तो इसका आएगा फर्स्ट, बी का आएगा फर्स्ट, तो इसमें भी फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है। ब्लास्ट प्योरनेस, रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, सी में आएगा थर्ड इसमें, और डी जोन रिफाइनिंग, इंप्यूरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन द मेल्ट देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। जोन रिफाइनिंग किन के लिए करते हैं, हाई प्योरिटी वाले मेटल की रिक्वायर्ड होती है जो सेमीकंडक्टर में यूज होते हैं, वहां उसका प्रिंसिपल क्या है, यही प्रिंसिपल है, तो इसका आंसर ये आएगा सेकंड इसमें, तो आंसर जो आएगा वो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, सीएल क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूज इट्स येलो कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा सीएल टू जो है ना वो येलो विस ग्रीन कलर का होता है, और क्यों कलर शो करता है भैया, ड्यू टू होमो टू ल्यूमो ट्रांजिशन, होमो टू ल्यूमो ट्रांजिशन, इसका इसको छोड़ देते हैं लंबे समय तक रहती है तो ये येलो कलर शो कर, येलो कलर इसका लूज हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन वाटर रिएक्ट करके क्या बनाएगा HOCl plus HCl, और ये वाला कैसा होता है कलरलेस, तो आंसर जाएगा हो जाएगा थर्ड, ये भी एनसीईआरटी में लाइन है। नेक्स्ट, इन ए लेबोरेटरी व्हेन सोडियम क्लोराइड हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड क्या है NaCl, और यहां किसके साथ हीटेड कर रहा है कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट कर रहा है, ए गैस रिलीज, तो NaCl, तो इसमें Cl- है, लेस वोलेटाइल एसिड कैन बी डिस्प्लेस मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर सॉल्ट, तो यहां क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा, अब HCl का H2SO4 फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है तो यहां क्या बन जाएगा NaHSO4, तो कौन सी गैस रिलीज हुई है HCl गैस रिलीज हुई है, बोला है फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट दिस गैस, इट इज कलरलेस एंड पनेट स्मेलिंग गैस, डेफिनेटली ये कलरलेस है और पनेट स्मेलिंग गैस होती है HCl, तीक्ष्ण जिसको मतलब गंध लेते हैं तो सहन नहीं होती है, झटका लगता है, इट इज ग्रीनिश येलो गैस विद पनेट स्मेल, ना ग्रीनिश येलो तो कौन होती है Cl2, Cl2 कब बनता है जब कंसंट्रेटेड SO4 इसको ऑक्सीडाइज करता, ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, Cl2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंपेयर्ड टू H2SO4, ठीक है, तो ये गलत हो गया, इट इज इजीली लिक्विफाइड टू ए कलरलेस लिक्विड, जी हाँ HCl को हम आसानी से लिक्विफाइड कर सकते हैं, लेबोरेटरी रिएजेंट है, लिक्विफाइड करते ही है, टेस्ट ट्यूब में डालते ही है, बीकर में रखते ही है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, इट इज फ्रीज टू व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी स्टेटमेंट सही है, तीनों प्रॉपर्टी HCl पढ़ोगे वहां पे लिखी हुई है, आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट आएगा सेकंड। नेक्स्ट, Cl2 react with independently with Fe and SH, Fe के साथ Cl2 react करेगा तो क्या बनेगा FeCl3, भाई Fe के साथ Cl2 तो higher में जाएगा FeCl3 बनेगा, ठीक है, और दूसरा बोला है and SH to produce respectively, SH के साथ react करोगे Cl2 को तो बनेगा आपके पास H2Cl, ये दोनों ही रिएक्शन एनसीईआरटी की, तो
तो आंसर जाएगा सेकंड। अच्छा अब कई के दिमाग में आ रहा होगा कि सर FeCl2 भी तो बन सकता है ना, नहीं, Cl जो है Cl के साथ Fe plus 3 एग्जिस्ट कर सकता है, Cl स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ठीक है, तो आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, द लेंथराइड आयन दैट वुड शो कलर, तो देखो लेंथराइड आयन कौन सी दिखाता है, प्लस थ्री, सॉलिड और एक्वस दोनों में ही ऑलमोस्ट लेंथराइड आयन्स कलर्ड होते हैं, तो मैं बोल रहा हूं F14, F13, F0, F1 ये वाली क्या होती है, कलरलेस, F14, F13, F0, F1 कलरलेस, ठीक है, और F7 ये वाली कलरलेस, अदर आर कलर्ड, ऐसे ही पढ़ते हैं Fn एंड F14-n हैव सेम कलर, तो जैसे F14 कलरलेस है तो F0 भी कलरलेस रहेगी, F13 कलरलेस है तो F1 भी कलरलेस रहेगी, F14 F7 इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, तो यहां Sm प्लस 3 है, GD प्लस 3 ये F7 हो गया, Lu प्लस 3 F14 हो गया, La प्लस 3 F0 और D10 हो गया, तो कलर केवल शो करने वाला बचा कौन, Sm प्लस 3 ये कलर शो कर देगा। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लेंथराइड एलिमेंट्स, तो लेंथराइड एलिमेंट्स की बात करते हैं, इन देयर केमिकल बिहेवियर इन जनरल द अर्लियर मेंबर ऑफ द सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव सिमिलर टू एल्युमिनियम बट विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर दे बिहेव मोर लाइक कैल्शियम, गलत स्टेटमेंट है, लेंथेनाइड एलिमेंट के जो अर्लियर मेंबर है, शुरू वाले मेंबर है, उनकी प्लस टू शो करने की टेंडेंसी ज्यादा है, बाद वाले एलिमेंट की प्लस थ्री शो करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो अगर शुरू वाले एलिमेंट की प्लस टू शो करने की टेंडेंसी है तो उनकी प्रॉपर्टी जस्ट लाइक हो गई, किसके इक्वल हो गई, कैल्शियम के इक्वल हो गई, क्योंकि कैल्शियम प्लस टू शो करता है, बाद वालों की प्रॉपर्टी किसके इक्वल होती है, एल्यूमिनियम के इक्वल, क्योंकि एल्यूमिनियम प्लस थ्री शो करता है, यहां मैंने अपोजिट स्टेटमेंट दिया है, इन द देयर केमिकल बिहेवियर इन जनरल द अर्लियर मेंबर ऑफ द सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव सिमिलर टू एल्युमिनियम, गलत है, यहां क्या आना चाहिए, कैल्शियम आना चाहिए सही स्टेटमेंट के लिए, कैल्शियम आना चाहिए, बट विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर दे बिहेव मोर लाइक कैल्शियम, यहां क्या आना चाहिए, एल्युमिनियम, मतलब मैं यहां इसको और बात करूं ना तो लेंथेनाइड एलिमेंट जो है ना वो प्लस टू टेंडेंसी जो है ना वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है और प्लस थ्री टेंडेंसी टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट बात कर लो क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो गलत स्टेटमेंट हो गया। मेनी ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आयंस आर कलरलेस, ना मोस्ट ऑफ लेंथेनाइड आयंस आर कलर्ड इन एक्वस एज वेल एज इन सॉलिड स्टेट, तो ये गलत हो गया क्योंकि कलरलेस नहीं होगा, दे डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन विद डाइल्यूट एसिड, ना ये करते हैं क्योंकि इनका जो इनोट वैल्यू है ना वो -2 से -2.4 होता है, नेगेटिव इनोट वैल्यू है तो ये डाइल्यूट एसिड के साथ क्या रिलीज करेंगे, H2 रिलीज करेंगे, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, मैंने बोला डू नॉट, ऑल द लेंथेनाइड्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल एंड टर्निश रैपिडली इन एयर मेटल है, चमक रखते हैं, पहले सरफेस इनकी शाइनिंग करती है बट एयर में रैपिडली टर्निश हो जाती है, तो यहां ऑल द लेंथ ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया, ये तीनों ही स्टेटमेंट एनसीईआरटी के हैं, ऑल स्टेटमेंट। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, द वेपर फेज रिफाइनिंग इज नॉट यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ जर्कोनियम, वेपर फेज जब नाम रिफाइनिंग है तो रिफाइनिंग ही तो करेंगे ना, इससे ये एक्सट्रैक्शन ऑफ निकिल नहीं करते, ये गलत है, बाकी ये तीनों क्या है, सही है, जर्कोनियम का करते हैं ZrI4 बनाते हैं, टाइटेनियम का करते हैं Ti4 बनाते हैं, निकिल का भी करते हैं NiCO4 बनाते हैं, बोरोन का भी करते हैं Bi3 बनाते हैं, ये है वेपर फेज रिफाइनिंग, एक्सट्रैक्शन नहीं होता है, प्यूरिफिकेशन होता है रिफाइनिंग में, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ निकिल नहीं हो सकता, आंसर फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट अबाउट द इंटरस्टेल कंपाउंड, सिंपल कंसेप्ट है, दे डू नॉट हैव मेटालिक कंडक्टिविटी, मेटालिक कंडक्टिविटी रखते हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट ना, दे आर वेरी हार्ड होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली, क्योंकि इंटरस्टेल साइड का मतलब क्या है, इंटरस्टेल साइड पे
नॉन मेटल ट्रैप्ड हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है तो वैकेंट स्पेस भर जाता है, तो और ज्यादा हार्ड होगा ना। तो ये तो गलत है, ये गलत है, ये वाला सही है। रिएक्टिव नहीं होते, इनर्ट होते हैं, तो ये भी गलत है, आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, मैच द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आपको मैच करना है V2O5, सभी जानते हैं कि H2SO4 में काम में आता है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस, PDCl2, PDCl2 एसिटाल्डिहाइड, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 PDCl2 एयर H2O बनता है CH3COH, वाकर प्रोसेस, वाकर प्रोसेस नाम है इसका, उतने ही कार्बन का एलिमेंट बन जाता है। जिग्लर नाटा कैटलिस्ट पॉलीथीन बनती है, कौन सी? HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनती है जिग्लर नाटा कैटलिस्ट। और निकेल कंपाउंड क्या बनाता है? बेंजीन बनाता है। जैसे आप ये पढ़ते हो HC CH और यहां लेता हूं NiCN का होल ट्वाइस, तो बेंजीन बन जाएगी, पॉलीमराइज हो जाएगा। जैसे रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, NiCN2 निकिल के कंपाउंड लोगे तो एल्काइन पॉलीमराइज होके क्या बना देगी? बेंजीन बना देगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन चेक करोगे तो सबसे पहले देखो डी में फर्स्ट आना चाहिए, डी में फर्स्ट यहां है, सी में आपका क्या आना चाहिए? सी में थर्ड आना चाहिए, सी में थर्ड यहां है, आंसर जाएगा वो जाएगा सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट ये वाला, द एलॉय यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एरोप्लेन, एल्युमिनियम का यूज है, एल्युमिनियम क्या होता है? फॉर्म एलॉय विथ कॉपर, कॉपर के साथ बनाता है, एसएन के साथ बनाता है, मैग्नीस के साथ बनाता है, एमएन के साथ बनाता है, जिंक के साथ बनाता है। ये एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी है कि वो इतने एलिमेंट के साथ एलॉय बनाता है। जहां बोरोन फैमिली में जाओगे एल्युमिनियम का यूज वहां आप पढ़ोगे तो ये मिल जाएगा आपको, कॉपर, एसएन, मैग्नीशियम, एमएन, जिंक। ठीक है, तो यहां पे एल्युमिनियम वाला जो है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का है, वो एरोप्लेन कंस्ट्रक्शन में हम यूज में लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट ये सिंपल सा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखो 13 14 15 और 16 ग्रुप, ठीक है, इनमें क्या होता है? सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फाइव पीरियड और ये सिक्स पीरियड। तो जैसे यहां लिया बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकन, सॉरी ये आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें आएगा, इन सब में सबसे ज्यादा होती है थर्ड पीरियड की, फिर फोर्थ की, फिर फाइव की, फिर सिक्स की, लास्ट में आएगा सेवन पीरियड। ये वाला ऑर्डर लगाना है। तो इसमें अगर हम बात करें तो एक नंबर पे ये आएगा, दो पे, तीन पे, चार पे और आएगा पांच पे। तो ऐसा ऑप्शन अगर हमें नजर आ रहा है तो ऑक्सीजन लास्ट में एक में ही दिया हुआ है, ये वाला। रीजन है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो मोर रिपल होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर और कम हो जाएगा। नेक्स्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो 3D सीरीज में फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर रेगुलर नहीं है, रेगुलर ऑर्डर नहीं है, वहां पे इररेगुलरिटीज बहुत है। तो देखो IE1 का ऑर्डर जिंक, फिर IA कोबाल्ट, कॉपर, निकिल, एमएन, टाइटेनियम, क्रोमियम, वेनेडियम और स्कैंडियम, ये IE1 का ऑर्डर है, याद कर सकते हो। जीनी, फिर कोई कूपन निकले तो मानना टिकम करोड़पति वाली स्कीम है, आप सुन ले, सेट कर लेना, जीनी फिर कोई कूपन निकले, जीनी फिर कोई कूपन निकले तो मानना टिकम करोड़पति वाली स्कीम है। तो यहां इसके बेस पे हमें अरेंज करना है। तो हमें दिया है कि आयनाइजेशन एनर्जी, तो सबसे ज्यादा जिंक की, जी हां, फिर दो नंबर पे निकिल की, जिंक की, फिर दो नंबर पे निकिल की, फिर टाइटेनियम की,
फिर MN की, ऐसा भी नहीं हो रहा सेट, ऑप्शन हम सेट कर देते हैं तो सबसे ज्यादा जिंक की मैक्सिमम होगी। जिंक की मैक्सिमम एक तो यहां दी हुई है और एक यहां दी हुई है। जिंक के पास दो नंबर पे निकिल, ये रहा, फिर MN, फिर टाइटेनियम, आंसर जाएगा हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द नोबल गैस द मोस्ट अबंडेंट इन एयर बाय द वॉल्यूम, तो आर्गन है, ये वाला ऑर्डर है, अबंडेंट इन वॉल्यूम बाय एयर, एयर बाय वॉल्यूम, तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है, आर्गन मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस है, तो इसको याद कर सकते हैं, अरे नेकर हेजी, अरे नेकर हेजी, ऐसे याद कर सकते, तो आंसर जाएगा फोर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पेंटागोन इन C60, तो C60 है, इसमें 12 क्या होते हैं, पेंटागोन, और 12 क्या होते हैं, हेक्सागोन, कम है नंबर तो कम ही, छोटी वाली रिंग का पेंटागोन मतलब 5 मेंबर रिंग, तो उसका छोटा अंक है 12, बड़े वाली रिंग है तो उसका बड़ा अंक है, बड़ा डिजिट है 12, याद ऐसे कर सकते हैं, तो 12 पेंटागोन होते हैं। एंड ट्राइगोन्स या ट्राइंगल इन व्हाइट फॉस्फोरस, तो व्हाइट फॉस्फोरस ये वाला हुआ, तो इसमें कितने ट्राइंगल बने, इसमें कितने ट्राइंगल बने, तो देखो ये वाला तो कार्बन है ही नहीं ना, ये वाला कार्बन नहीं है, दिस इज नॉट ए कार्बन, तो यहां पे देखो आप इधर, ये वाला और ये वाला है, तो अभी ट्राइगोन एक भी नहीं है, तो अब एक बॉन्ड जाएगा इस फॉस्फोरस और इस फॉस्फोरस के ऊपर से, ये वाला, तो एक ऊपर ट्राइगोन है, एक नीचे ट्राइगोन है, दो, ठीक है, फिर एक जाएगा इसके ऊपर से ऐसे, जो ऐसे कॉन्टेक्ट होगा, तो यहां पे एक ट्राइगोन ये वाला, एक ट्राइगोन ये वाला, तो टोटल ट्राइगोन कितने हैं, फोर, तो आंसर जो आएगा वो आएगा थर्ड। इसको मत मान लेना, या ऐसे भी सीधे से भी देखते हो, 1 2 3 4, ये 1 2, फिर ये 3 और ये 4, ये लो। नेक्स्ट, द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ नेप्चूनियम एंड अमेरिसियम, तो देखो लेंथनर्ड एलिमेंट है, नेप्चूनियम एंड प्लूटोनियम की हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट होती है +7, ठीक है, नेप्चूनियम और प्लूटोनियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +7, अमेरिसियम एंड यूरेनियम इनकी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट होती है वो होती है +6। आपसे पूछा है कि नेप्चूनियम की कितनी है और अमेरिसियम की कितनी है, तो इसकी +7 है, इसकी +6 है, आंसर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, द थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ MN कंपाउंड एक्स एट 5.3 केल्विन रिजल्ट इन कंपाउंड वाई, MnO2 एंड गैसेस प्रोडक्ट, MnO2 रिएक्ट विद NaCl एंड कंसंट्रेटेड एच2SO4 फॉर गिव पनेट गैस एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली, तो ये कंपाउंड वो है K MnO4, इसको हीट किया तो क्या बनता है, K2 MnO4 +MnO2 और +O2, क्या बोला है, कंपाउंड वाई, तो ये वाला वाई है, MnO2 ये हो गया, एंड ए गैसियस प्रोडक्ट, ये वाला गैसियस हो गया, फिर MnO2 रिएक्ट करता है NaCl से, मतलब MnO2 की रिएक्ट करा रहा है NaCl प्लस कंसंट्रेट H2SO4 से, तो यहां से क्या बनने वाला है, HCl, और आपको पता है कि HCl की रिएक्शन MnO2 से करवा दो, डाइऑक्साइड से, या फिर PbO2 से करवा दो, कौन सी गैस रिलीज होती है, Cl2, ये वाला किसमें चला जाता है, +2 में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, तो HCl कहां से बना, NaCl कंसंट्रेटेड SO4 से HCl बना, यहां MnO2 ने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो Cl2 आया, तो पनेट गैस वाली कौन सी है, Cl2, तो ये वाला हो गया अक्स, ये वाला हो गया वाई, और ये आपका हो गया जे। नेक्स्ट, बिलोंग्स टू 4F सीरीज इच एटॉमिक नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ यूरोपियम, तो देखो यूरोपियम जो है, गैडोलिनियम जो है,
वो आता है 64 पे, यूरोपियम आता है वो 63 पे। इसका कॉन्फ़िगरेशन सभी याद रखते हैं, हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4 एप्स, ऐसे भी देख लो 63 है ना, तो 54 तो इसके हो ही गए। तो अब 63 में 9 और 211 जोड़ूंगा, 8 टू 10, तो इसमें तो क्या हो रहा है 64, तो ये तो नहीं होगा, इसमें तो टोटली 64 हो रहा है। इसमें देखो 54 और 9 63 हो रहा है, इसमें 54 और ये वाले कितने हो गए 9, यहां भी हो रहा है, यहां पे हो रहा है। तो डी में ये वाला नहीं है कॉन्फ़िगरेशन, ये लेंथेनाइड आयन का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। लेंथेनाइड आयन में या तो 5D1 होता है या फिर 5D0 होता है, 2 होता ही नहीं है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन बचे दो, सेकंड और थर्ड। अब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन रहना चाहिए, ये वाला पॉसिबल नहीं, अगर ऐसा होता तो डी वाला यहां जाता ना हाफ फील्ड, तो आंसर जाएगा सेकंड। एकदम साइलेंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, द करेक्ट मेल्टिंग पॉइंट फॉर हाइड्रोजन हैलाइड। तो देखो HI, HF, HBr, HCl, ये ऑर्डर तो होता है मेल्टिंग पॉइंट का, HF, HI, HBr और HCl, ये ऑर्डर होता है बॉइलिंग पॉइंट का, तो आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, सल्फर फॉर्म न्यूमरस एलोट्रोप्स, विच करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। जी हां, अल्फा सल्फर होता है, बीटा सल्फर होता है, इसका दूसरा नाम होता है मोनो क्लिनिक, इसका नाम होता है रोम्बो रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक, और ये मोनो क्लिनिक, ये येलो कलर की होती है और ये कैसी होती है कलरलेस। अब ऑप्शन पढ़ ले, आंसर सॉल्व हो जाएगा। कलरलेस नीडल शेप्ड क्रिस्टल इज अल्फा सल्फर, गलत है, अल्फा सल्फर येलो होता है, येलो कलर हैविंग सल्फर इज बीटा सल्फर, सही है गलत है, क्योंकि येलो किसका होता है अल्फा का। कलरलेस नीडल शेप्ड क्रिस्टल इज बीटा सल्फर, सही स्टेटमेंट है। अल्फा सल्फर इज मोनोक्लिनिक सल्फर, गलत है, अल्फा सल्फर कौन सी होती है रोम्बिक, तो आंसर जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइड्रेटेड एल्यूमिना, मतलब ये बोल रहा है कि Al2O32H2O, तो इसको हीट करो, एब्सेंस ऑफ एयर, तो कन्वर्ट हो जाएगा Al2O3 में, ये क्या हो गया एनहाइड्रस, तो क्या बोलते हैं इसको कैल्सिनेशन, सभी का सही हुआ होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेटल M विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्शन, पहले MS है, सल्फाइड है, O2 है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ रोस्टिंग, फिर MSO4 MS, और यहां पे SO4-2, ठीक है, और यहां M+2, और ये M+2 और S-2 क्या बना है, M बना है, तो ये वाला क्या हो गया सेल्फ रिडक्शन, कौन सा मेटल शो करेगा लेड। नेक्स्ट, व्हेन एन इंप्यूरिटी इन मेटल हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इंप्यूरिटी की ऑक्सीजन के लिए ज्यादा एफिनिटी है देन मेटल, अगर ज्यादा एफिनिटी है तो उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, एंड इज मोर इजीली ऑक्सीडाइज देन द मेटल इटसेल्फ, then the metal is refined by, इस प्रकार का मेटल किससे रिफाइन करते हैं, क्यूपरेशन, ठीक है। देखो Ag have impurities of Pb, Ag में किसकी impurities होती है Pb की impurities होती है, ये more affinity and have more affinity for oxygen, ऑक्सीजन के लिए इसकी एफिनिटी क्या है ज्यादा है, तो लेड क्या होगा Ag+PbO2, हीट करूंगा तो Ag तो ऐसे रह जाएगा और ये चला जाएगा PbO में, ये क्या हो गया ऑक्सीडाइज हो गया क्या, और ये वोलेटाइल PbO और ये ऊपर उठ जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा Ag से लेड को रिमूव करना, Ag से लेड को रिमूव करना क्यूपरेशन,
और लेड से एजी को रिमूव करना, पैटर्नसन प्रोसेस। नेक्स्ट, द डिप्रेसेंट एनएसीएन, एनएसीएन क्या करता है देखो, पीबीएस प्लस जेडएनएस, एनएसीएन ओनली इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला क्या रह जाएगा नॉन रिएक्टिव, तो इसके साथ बनाएगा ये Na2ZnCN4 सोल्यूबल इन वॉटर। तो इन फ्रोथ में केवल कौन जाएगा, फ्रोथ प्रोडक्शन विधि में ये तो सोल्यूबल हो गया, ये गोज विथ फ्रोथ, ये फ्रोथ के साथ जाएगा, ये वाला फ्रोथ के साथ नहीं जाएगा, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है इन वॉटर, इसमें डालेंगे हम CuSO4 तो वापस कन्वर्ट हो जाएगा ZnS में, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटर, वापस एक्टिवेट करेंगे जिससे ZnB किस में चला जाए, फ्रोथ में चला जाए। तो यहां बोला है यूज टू सेपरेट PBS फ्रॉम ZnS बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विद ZnS, ZnS के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, द सॉल्ट फ्रॉम व्हिच इज लीस्ट लाइकली टू बी फाउंड एज ए मिनरल, अच्छा मिनरल के रूप में कौन से सॉल्ट सबसे कम होते हैं, जो मोर सोल्यूबल होते हैं, जो सबसे ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, और नाइट्रेट आर सोल्यूबल, नाइट्रेट आर सोल्यूबल, तो ये वाले सबसे कम पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नाइट्रेट का नहीं होता, नाइट्रेट का होता है, एक NaNO3 होता है और एक KNO3 होता है, बट ये नाइट्रोजन की अकरेंस होती है इनमें, इसको बोलेंगे चिली सोल्ट पीटर, इसको बोलेंगे इंडियन सोल्ट पीटर। तो यहां कौन सा मिनरल सबसे कम होता है किस सोल्ट का, तो उस सोल्ट का सबसे कम होता है, उस सोल्ट का सबसे कम होता है जो सबसे ज्यादा सोल्यूबल होता है, तो वो है नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट देखें, द प्रोसेस द पॉसिबल प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ HNO3 बाय जिंक, तो जिंक है और HNO3 है, तो आपसे पूछा है पॉसिबल प्रोडक्ट, और ऑप्शन को देखने से पता लगता है कि मुझे HNO3 एक बार कंसंट्रेट लूंगा और HNO3 एक बार डाइल्यूट लूंगा, तो डाइल्यूट में तो क्या आने वाला है N2O, और कंसंट्रेट में हमेशा क्या आती है NO2, क्योंकि डाइल्यूट के साथ डाइल्यूट HNO3 है ना, तो मेटल अबाउ एच इन ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल एच से ऊपर है वो कौन सी देते हैं N2O, और मेटल बिलो एच इन ECS वो कौन सी देते हैं NO, तो जिंक एच से ऊपर आता है तो डाइल्यूट के साथ N2O देगा, कंसंट्रेट के साथ हमेशा क्या आएगी NO2 आएगी, तो आंसर जो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक करेंगे तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ट्रू स्टेटमेंट विल बी रिगार्डिंग फॉलोइंग रिएक्शन, इसके लिए ट्रू स्टेटमेंट आपको करना है CO प्लस H2O, CO2 प्लस H2, ठीक है, ये गैस है, रिएक्शन है CO2 प्लस H2O, ये कौन सी है वाटर गैस, This is called water gas shifting reaction, सही है। इस रिएक्शन से H2 की कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन, सही बात है, सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन से या बेसिक सॉल्यूशन से इस CO2 को रिमूव करते हैं जिससे H2 बच जाता है, तो यह भी सही है। दिस इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन, गलत है, कार्बन H2O और ये गैसियस और ये सॉलिड, या बनता है CO प्लस H2, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। बाय दिस रिएक्शन प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज, जी हाँ, डाइहाइड्रोजन का प्रोडक्शन इससे हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं भाई, यहां पे आप देखो ना, यहां CO इसको बैलेंस करोगे तो यहां 2H2 ले लो, तो ये 2CO2 2H2 यहां कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो आंसर हमें पूछा है विल बी रिगार्डिंग फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सा स्टेटमेंट सही है, वाटर गैस शिफ्टिंग रिएक्शन बोलते हैं, फर्स्ट दिस इज कॉल्ड, ये वाला गलत है, बाकी ए बी डी सही है, ऐसा ऑप्शन हमें मिल रहा है सेकंड में, सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कार्बन H2SO4 CO2 + H2O और गैस,
तो वही यहां क्या आया SO2। सेकेंड SO2 प्लस Cl2, SO2 प्लस Cl2 यहां पे चारकोल लिखिए, यहां पे चारकोल लिखना है। उसके बाद ये बन जाएगा SO2Cl2 लिक्विड, ये बनता है। फिर इसकी रिएक्शन करवा दी पी फोर वाइट से, तो क्या बनेगा PCl5, सॉरी पी फोर SOCl2 लेता हूं तो PCl3 बनता है। अगर इसी की रिएक्शन SOCl2 से करूंगा तो PCl3 बनेगा, बट ये तो लिक्विड होता है ना, तो SO2Cl2 बनेगा, रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल और PCl5 सॉलिड बन जाएगा। ओके, तो आंसर इसी के अकॉर्डिंग टिक कर देंगे। क्या बोला है SO2 हो गई, SO2Cl2 हो गया, PCl5 हो गया, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट प्रोड्यूस गोल्ड रिएक्ट्स विद एक्वा रेजिया, सभी को पता है एक्वा रेजिया से रिएक्ट करता है तो ये बनता है HAuCl4, डिस्कस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कंपेयर व्हाइट एंड रेड फास्फोरस इन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। आपको यहां पे दिया हुआ है ये व्हाइट फास्फोरस है, ये रेड फास्फोरस है, कलर क्या इसका व्हाइट और इसका आयरन ग्रे, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। सोल्युबिलिटी इन CH2, व्हाइट फास्फोरस सोल्युबल होता है, व्हाइट फास्फोरस CH2 में सोल्युबल होता है और रेड फास्फोरस इनसोल्युबल होता है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। विथ एल्कली, व्हाइट फास्फोरस एल्कली के साथ फॉस्फिनिक एसिड देता है H3PO2 और रेड फास्फोरस एल्कली के साथ देता है H3PH4P2O6, हाइपोफॉस्फोरस। फास्फोरस एसिड जहां एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, फास्फोरस के एसिड दिए हुए हैं उनमें ये मेथड लिखे हुए हैं। ये रिएक्शन तो तुम पढ़ते भी हो, व्हाइट फास्फोरस की NaOH के साथ रिएक्शन करते तो फॉस्फीन बनता है, फिर उसके साथ साथ सोडियम हाइपोफॉस्फाइड भी बनता है, उस पे एसिडिक मीडियम डाल दिया तो फॉस्फीनिक एसिड बन जाएगा ये वाला, और ये वाला है H4P2O6। ओनली दिस एसिड हैव फास्फोरस फास्फोरस लिंकेज, केवल ये वाला एसिड फास्फोरस फास्फोरस लिंकेज रखता है। तो इसके बेस पे हमारे पास स्टेटमेंट कौन से सही है, केवल ए और सी, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट फॉर्मड व्हेन AgCl, तो देखो AgCl NH3 एक्वस में गया तो इसकी कैसी पीपीटी, व्हाइट पीपीटी थी, क्या बनेगा Ag NH3 का होल टू व्हाइट Cl और सोल्यूबल एक्वस, व्हाइट पीपीटी AgCl की एक्वस NH3 में सोल्यूबल होती है, AgI को छोड़कर AgI इनसोल्यूबल, AgI इनसोल्यूबल और AgBr पार्शियल सोल्यूबल, ये पार्शियल सोल्यूबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ये वाला एक्वस सोल्यूबल हुआ है, ये वाला नहीं आएगा, पीपीटी नहीं आएगी, सोल्यूबल हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन जिंक एज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, तो स्टेनलेस स्टील में तो आयरन होता है, आयरन कार्बन एमन ये वाले होते हैं, जर्मन सिल्वर में जिंक होता है, बट जिंक का परसेंटेज यहां जो होता है वो 30% से 40% के बीच में होता है। ब्रॉन्ज कॉपर प्लस जिंक, जिंक इसमें 60% होता है, ब्रास कॉपर और एसन, तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट किसमें है, ब्रॉन्ज में है। नेक्स्ट, अक्सीएफसी 3H2 कंप्लीट ऑक्सीडेशन अक्सईओ3 बनेगा और यहां पार्शियली अक्सईओ F4 बन जाएगा, ये वाला होता है कलरलेस ऑयली लिक्विड, कलरलेस ऑयली लिक्विड और ये वाला होता है कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड, कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड ये वाला होता है। तो यहां हम बात करेंगे, पूछा है कि ए क्या है बी क्या है,
एनसीईआरटी में जब पढ़ोगे जिनोन फ्लोराइड तो ये वाला सब दिया हुआ है, तो अक्स ईओ थ्री ए जो है वो कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड ये वाला है, बी इज कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड। सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ BCl3 एंड NCl3। तो BCl3 जो है ना वो रिएक्ट करता है 3H2O से, क्या बनाता है BOH का होल थ्राइज और 3HCl। NCl3 हाइड्रोलाइज होता है, ईजी वे में होता है, क्या बनाता है NH3 plus 3HOCl। तो BCl3 तो दे रहा है HCl, NCl3 दे रहा है HOCl। NCl3 on hydrolysis give HOCl, BCl3 give HCl. Third, next, the EG of hydrolysis order of hexafluoride of group 16 element. तो SF6 है, SEF6 है और TEF6 है। Top to bottom जाऊंगा तो rate of hydrolysis increase होगा और ये वाला तो डू नॉट हाइड्रोलाइज। देखो इसकी रिएक्शन कराओगे 4H2O से तो बनेगा H2SeO4, इसकी रिएक्शन कराओगे 6H2 से तो बनेगा TeOH का होल 6। क्योंकि देखो सल्फर के चारों तरफ फ्लोरीन लगे हुए हैं 6, ये इसका साइज बड़ा हो गया, इसके चारों तरफ 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं, इसका साइज और बड़ा हो गया, ये 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं। तो यहां पर यह सल्फर है, ये सेलेनियम है और ये टेलुरियम है। तो जैसे जैसे इनके बीच साइज बढ़ेगा वाटर का अटैक करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सल्फर में ये 6 फ्लोरीन इस सल्फर को इस प्रकार से घेरे रहते हैं कि बाहर से वाटर का मॉलिक्यूल अटैक नहीं कर पाता है, तो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस बढ़ता है। सेकंड, नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो ये पी फोर है, लोन पेयर कितने हैं 4, फिर बोला है नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ईच फॉस्फोरस एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, एक फॉस्फोरस कितने बना रहा है 1, 2, 3। थर्ड आंसर, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव नाइट्रोजन ऑन हीटिंग। तो ये तो देता है, एजाइड है, Na और N2 में टूटेगा, ये वाला N2 में टूटेगा, ये वाला NH3 और H2O plus SO2 में टूटेगा, तो क्या दे रहा है NH3 और ये वाला भी N2 में टूटेगा। मतलब अगर अमोनियम आयन के साथ यहां J ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लाइक ClO4- हो गया, IO4- हो गया, Cr2O7- 2 हो गया, NO2- हो गया, तब तो आता है N2। और यदि NH4Z नॉन ऑक्सीडाइजिंग है तब आता है NH3। तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एक बार एजे में डालोगे AuHNO3 और HCl, तो ये तो चला जाएगा AuCl4- में और साइड में NO3 चला जाएगा NO में, तो ये तो गया Au0 से +3 में, ये +5 से किस में चला गया +2 में, तो पता लग गया कौन ऑक्सीडाइजिंग है और कौन रिड्यूसिंग है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है HNO3 और रिड्यूस कौन हो रहा है Au गोल्ड। सेकंड, नेक्स्ट, Which of the following has smallest radii? तो इन 3D series, Ni plus 2 smallest bivalent cation. 3D series में Ni plus 2 जो है वो smallest bivalent cation है। आंसर जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट, Which one of the following has positive standard electrode potential? Negative, negative, positive, negative. तो यहां आंसर जाएगा कौन सा, फर्स्ट, Fe। देखो इधर
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये वाले नेगेटिव, और फिर आगे एमएन से लेके जिंक तक ये वाले क्या रखते हैं, पॉजिटिव। तो आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, जहां एक्सप्रेशन की जरूरत है वहां मैं वेल एक्सप्लेन कर रहा हूं, और बाकी ये चीजें जो है इंफॉर्मेशन बेस्ड है वो ध्यान रखिए। जैसे ये क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, PR, ND, TB, DY also exhibit plus 4 state. Definitely plus 4 state show करते हैं, but only in oxide. केवल किसमें show करते हैं? Oxide में. तो statement सही है. The first ionization enthalpy of the alanthanide are around 6 kilojoule per mole. सही है. और second होती है around 1200 kilojoule per mole, almost equal to calcium. आगे बात सुनो. तो statement सही है. NCERT पढ़ोगे पूरी line मिल जाएगी आपको. KMnO4 isostructural with KClO4, क्योंकि इसमें MnO4 माइनस है, ये टेट्राहेड्रल है, ClO4 माइनस है, ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल है। पैरामैग्नेट टाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर सेटिस्फैक्टरी, ना नहीं होती है, क्योंकि टाइट्रेशन कराने जाओगे MnO4 माइनस और HCl तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HCl को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो अगर आपको परमैग्नेट टाइट्रेशन में यूज में लेना है तो हम HCl से एसिड वाई नहीं करते हैं, क्योंकि HCl में इसको ऑक्सीडाइज कर देगा Cl- को Cl2 में, तो ये वाला गलत है। थर्ड, नेक्स्ट, अच्छा इसमें क्या है, ये लीचिंग है क्या, लीचिंग ऑफ एजी और गोल्ड, O2 का क्या रोल है, तो O2 क्या करता है, इस मेटल को +1 में ऑक्सीडाइज करता है, वरना ये मेटल यहां +1 में आ तो गया तो आया कैसे, तो ये किसका काम कर रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रही है, एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, विदाउट एयर रिएक्शन नहीं होगी। एयर का फंक्शन क्या है, मेटल को ऑक्सीडाइज करती है किसमें, +1 में, तो यहां पे इट इज ऑक्सीडाइज एम इन एमएन +2 +1, मतलब थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज ऑक्सी सॉल्ट ओर, देखो कैसिटेराइट SnO2 है, ऑक्साइड ओर है, बॉक्साइड Al2O3, अक्स H2O है या 2H2 है, ये भी ऑक्साइड ओर है, केलेमाइन ZnCO3 और जिंकाइट ZnO, तो ये जो CO3-2 है ना, ये सॉल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड, ये ऑक्सी एसिड का सॉल्ट है, इसलिए आंसर जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, अच्छा विथ फ्लोरीन क्रोमियम कैन फॉर्म CR5 एंड CrF6, सही बात है, करता है, विद क्लोरीन टाइटेनियम कैन फॉर्म TiCl4, करता ही है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट पढ़ते हैं TiCl4 Al का ET का होल प्राइस, सही है, वेनेडियम एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट इन फ्लोराइड VF5, सही है, विद फ्लोराइड Mn कैन फॉर्म MnF7, गलत है, मैक्सिमम जो बनता है वो कौन सा बनता है, MnF4 +7 करता है, किसके साथ करता है, Mn2O7 में शो करता है, तो फॉल्स। नेक्स्ट, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द वैल्यू ऑफ Em+2m फॉर निकल आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम ट्रेंड ड्यू टू, ट्रेंड से बात करें तो इसका इनोट वैल्यू, मतलब इसकी प्लस टू में जाने की टेंडेंसी कम होनी चाहिए थी, क्योंकि एक तो इसका हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, दूसरा इसकी हाई आयनेशन एनर्जी है, फिर भी इसका नेगेटिव में वैल्यू आता है, SRP नेगेटिव आता है, उसका रीजन क्या है, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी एंथैल्पी, इसका हाइड्रेशन एनर्जी Ni+2 एंड Cu+2 ऑलमोस्ट हैव सेम हाइड्रेशन एनर्जी, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रांसन मेटल आयंस आर लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, रिड्यूसिंग एजेंट, तो Cr+3, Cr+2,
टी आई प्लस टू और वी प्लस टू, ये वाले तो हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और सी ओ प्लस थ्री एम एन प्लस थ्री, ठीक है, क्योंकि इनकी तो प्लस थ्री में जाने की टेंडेंसी होती है ना, क्योंकि इनका सबका इन जो मेटल का है वो M प्लस टू एम प्लस थ्री, ये वाला जो नोट है ना, या फिर M प्लस थ्री एम प्लस टू, ये वाला जो नोट है ना वो क्या आता है नेगेटिव में, और इनके लिए क्या आता है पॉजिटिव में। CO प्लस थ्री एम एन प्लस थ्री ये क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपसे पूछा है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, H प्लस को रिड्यूस करेंगे और क्या देंगे H2 गैस लिबरेट करेंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है Ti प्लस टू Cr प्लस टू, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मच मोर ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखें देखो CO प्लस टू का है ना कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट वो आता है 3.87, ऑब्जर्वर्ड जो आता है ना वो आता है 4.4 से 5.5 तक चला जाता है, ऐसा क्यों होता है, इसका आता है ऐसा क्यों होता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, मैग्नेटिक मोमेंट उसमें दो इंक्लूड होते हैं, एक तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट, इन दो का सम उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताता है। हम 3D सीरीज के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम नेग्लिजिबल मानते हैं और केवल किससे कैलकुलेशन करते हैं हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट से, जिसका फॉर्मूला होता है एन N प्लस टू और बोर मैग्नेटोन, जहां N है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वापस मिले, मैग्नेटिक मोमेंट दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट पे और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पे, इन दो पे डिपेंड करता है। बट 3D सीरीज के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट की वैल्यू को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं और केवल हम फॉर्मूला निकालते हैं इससे, बट अगर तो ये कैलकुलेटेड तो इससे आएगी भाई, एन की वैल्यू कितनी हो गई यहां पे तीन हो गई, तो इससे आ जाएगा 3.87। बट अगर ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, ऑब्जर्व अगर हम करेंगे तो वो ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, तो वो केवल किसके कारण आती है, ड्यू टू कॉन्ट्रीब्यूशन या इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऐसा अगर आपको टेबल दी हुई हो तो उसमें देखोगे आप कोबाल्ट का बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, उसमें ये दिखा है कि CO प्लस टू की ऑब्जर्व एंगुलर ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा क्यों आता है, तो वहां इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कारण, कम आया ज्यादा आया कैलकुलेटिव से तो वो इसी का रीजन होगा, ठीक है, तो इसमें आएगा CO प्लस टू। नेक्स्ट, कलर ऑफ फॉर्मूला ऑफ कोबाल्ट मेटाबोरेट, तो ये CO प्लस टू BO2 माइनस, फॉर्मूला बना दो CO BO2 का होल ट्वाइस, और कलर कैसा होता है इसका, इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है क्या, ब्लू, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द रिडक्शन ऑफ एन ऑक्साइड बाय एल्यूमिनियम इज कॉल्ड, किसी भी ऑक्साइड का जैसे Cr2O3 है MN2O3 है, इनका हम रिडक्शन करवाते हैं MnO2 का, सॉरी इनका रिडक्शन हम करवाते हैं किससे, एलुमिना से करवाते हैं, तो एलुमिना से रिडक्शन करवाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गोल्ड स्मिट थर्माइट प्रोसेस, जिसको हम वेल्डिंग प्रोसेस भी पढ़ते हैं, Fe2O3 का भी करवाते हैं इससे, Fe2O3 एल्यूमिनियम, Fe किसमें मिलता है, लिक्विड में मिलता है, यहां भी क्रोमियम मिलेगा, किसमें मिलेगा, लिक्विड में मिलेगा। तो यहां पर मैंने बोल दिया है ये वाला, तो यहां पर एलिगम डायग्राम नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर्ड कॉपर, जब ब्लिस्टर्ड कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराओगे, एक तरफ कैथोड स्ट्रिप लोगे, कैथोड, और एक तरफ जो मोटी छड़ लेते हो वो किसकी लेते हो,
ये एनोड, ये इंप्योर, तो यहां पे कौन आता है? एनोड मड, कौन आता है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर कौन आएगा? लेस बेसिक। तो इसमें से बताना है, सॉरी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सॉरी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? टेलुरियम है, ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये वाला नहीं है, ठीक है। तो बोला कि डिपोजिट इन एनोड मड विच आर, तो कौन सा हो जाएगा? है बी सी डी। नेक्स्ट, मेजर रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ब्लास्ट फ्यूरनेस विद टेम्परेचर रेंज ऑपरेशन। तो देखो ब्लास्ट फ्यूरनेस में होता क्या है, इधर से गर्म हवा के झोंके जाते हैं, यहां आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, यहां टेम्परेचर कितना रहता है? 400 से 800 के आसपास रहता है। यहां क्या होता है? रिडक्शन। तो यहां पे इसका रिडक्शन हुआ, तो यहां टेम्परेचर रेंज क्या रहेगी? 4th। तो ए में 4th आना है, ए में 4th, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद थोड़ा नीचे जाते हैं, अच्छा एक एफ इज सॉलिड से कहां गया है? लिक्विड में, मतलब ये कौन सा जोन है? मेल्टन जोन। ये कौन सा जोन है? ये वाला कौन सा जोन है? मेल्टन जोन। आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो होता है 1503, तो इसके आसपास जाएगा, तो डी में ये यहां पे मेल्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट में डी आएगा, ए में डी में फर्स्ट आएगा, तो डी में इसको कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचे फर्स्ट और सेकंड, ये क्या बना? सिलिकेट, और ऊपर क्या बना? सीओ। तो पहले जहां मेल्टन जोन है वहीं उसके जस्ट ऊपर कौन है? स्लेग फॉर्मेशन जोन। उसके ऊपर कौन है? स्लेग फॉर्मेशन जोन। जस्ट उसके ऊपर कौन आ जाएगा? स्लेग फॉर्मेशन जोन आ जाएगा। तो यहां ये रिडक्शन जोन होता है, फिर यहां पे आता है एब्जॉर्प्शन जोन। एब्जॉर्प्शन जोन, और उसके नीचे आता है यहां पे स्लेग जोन। तो यहां ये वाला इसके हो गया। एब्जॉर्प्शन जोन कहां होता है? वो ये वाला होता है, CO2 का फॉर्मेशन जो इसके जस्ट नीचे की तरफ होता है। तो इस टेम्परेचर स्लेग जोन वाले का तो रेंज क्या रहती है? इसकी रेंज होती है, वो होती है यहां पे 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहती है, 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहती है। एब्जॉर्प्शन जोन की रेंज जो होती है वो इसके पास पास रहती है। इसके नीचे आएगा मेल्टन जोन। तो इस बेस पे अगर आंसर निकालोगे तो आंसर जाएगा, हो जाएगा फर्स्ट। वापस देखें, ये वाला है मेल्टन जोन जहां मेटल मेल्ट हुआ है, ये वाला रिडक्शन जोन जहां रिडक्शन हुआ है। अब इसमें बात करें तो सिलिकेट ये जो है ना, ये वाला जो आएगा ना, ये इस पे आएगा, और इसके ऊपर होता है ये एब्जॉर्प्शन जोन, ये वाला। तो इसके बेस पे आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग और इज कंसंट्रेटेड यूजिंग ग्रुप फर्स्ट साइनाइड सॉल्ट। फर्स्ट का मतलब KCN हो सकता है, NaCN हो सकता है, इनसे किसका, कौन से और का हम कंसंट्रेशन करते हैं यूजिंग ग्रुप फर्स्ट साइनाइड सॉल्ट। तो फर्स्ट ग्रुप का पोटेशियम साइनाइड हो सकता है या सोडियम साइनाइड हो सकता है, किसका हम यूज लेते हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां किसका यूज लेते हैं? केलेमाइट ZnCO3 ना, मेलेकाइट CuCO3.CuOH का होल टूज ना, सीडेराइट FeCO3 ना, सेफेलेराइट बोलते हैं ZnS का, सल्फाइड और, तो इसमें NaCN यूज लेते हैं ना, ZnS प्लस PbS है, तो इसका कंसंट्रेशन किससे करते हैं? NaCN से। आंसर जाएगा 4th। नेक्स्ट, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, Fe प्लस SO2 ये रिएक्शन आपको दी हुई है, बोला है करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, SO2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इक्वेशन ए। देखो Fe प्लस 2 जो है ना वो होता है ग्रीन,
और एपी प्लस थ्री जो होता है ना वो होता है येलो। तो यहां प्लस थ्री से गया प्लस टू में, तो ये किसका काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट का। तो SO2 ऑक्साइडिंग एजेंट नहीं है, गलत है, रिड्यूसिंग एजेंट है इन इक्वेशन ए, सही बात है। एपी प्लस टू ग्रीन कन्वर्ट इन एपी प्लस थ्री, गलत हो गया, और सेकेंड वाला क्या हो गया? सही हो गया। एपी प्लस थ्री ग्रीन कन्वर्ट इन एपी प्लस टू, एपी प्लस थ्री एपी प्लस टू ग्रीन कन्वर्ट, ये बी वाला सही है, ये भी सही है, एपी प्लस टू ग्रीन और ये एपी प्लस थ्री येलो, एपी प्लस थ्री ग्रीन कन्वर्ट इन एपी प्लस टू येलो इक्वेशन ए, ये भी सही है। तो यहां बी सी डी, इसको ध्यान रखें आप, बी सी आपसे पूछा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, SO2 एक्ट एज ऑक्साइडिंग एजेंट इन इक्वेशन ए, गलत है, SO2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन इक्वेशन ए, सही है। Fe प्लस टू ग्रीन कन्वर्ट इन Fe प्लस थ्री इन इक्वेशन बी, सही है। Fe प्लस थ्री ग्रीन, ये वाला गलत हो गया, क्योंकि Fe प्लस थ्री ग्रीन नहीं होता है, Fe प्लस थ्री होता क्या है? येलो होता है। तो आंसर क्या जाएगा? बी और सी। नेक्स्ट, ये लीचिंग है, Al2O3 वाज लीच्ड विद एल्कली, तो Al2O3 की रिएक्शन कराऊंगा पहले NaOH से, क्या बन जाएगा? AlOH4 माइनस सोल्यूबल, फिर CO2 पास आउट करूंगा, तो ये बेसिक मीडियम है, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, क्या बना देगा? Al2O3 अक्ष H2 हाइड्रेट, एनसीईआरटी की रिएक्शन है ये भी। तो यहां पूछा है आपको अक्ष क्या बना है, Y क्या बना है, CO2 है, एक गैस पासिंग गैस Y फॉर्म Z, तो ये बन जाएगा आंसर, आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, सिंपल सा है, CeO2 इज ए गुड एनालिटिक रिएजेंट, सही है, और EU प्लस टू लेंथेनाइड एलिमेंट जो है वो प्लस टू वाले होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और लेंथेनाइड जो प्लस वाले होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो EU प्लस टू साल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड पेयर इनर्ट टू हाइड्रोलाइसिस, तो ये वाला नहीं करता है। नेक्स्ट, ऑन क्रिएटिंग ए कंपाउंड विद वार्म डाइल्यूट एस्टोसोपोर, गैस अक्स इज इवॉल्व्ड विद टर्न K2Cr2O7 पेपर एसिडिफाइड विद डाइल्यूट एस्टोसोपोर टू ए ग्रीन कंपाउंड, कोई कंपाउंड है उसको डाइल्यूट एस्टोसोपोर से, तो वो गैस है SO2। अब SO2 K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, तो ये तो क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो चली जाएगी SO4 माइनस टू में, और ये किस में आ जाएगा? Cr प्लस थ्री में, किस कलर का? ग्रीन कलर का। तो अक्ष गैस है SO2 और ये आ जाएगा इसमें, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बना देगी? Cr2SO4 का होल साइज, आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, चूज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट ऑक्साइड ऑफ हैलोजन, ब्रोमीन ऑक्साइड आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो, इनकी स्टेबिलिटी जो होती है ना, स्टेबिलिटी वो होती है आई सी एल बी आर, ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। आयोडीन ऑक्साइड आर सोल्यूबल, ना, गलत है, सोल्यूबल नहीं रहते, क्या रहते हैं? इनसोल्यूबल रहते हैं, तो गलत हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड काइनेटिक और थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी यही आती है। CLO2 used as a bleaching agent for paper pulp and water treatment, सही स्टेटमेंट है। आपसे गलत पूछा है तो आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट रिएक्शन, PbS सही है, HNO2 HNO3 dispropionation, ये भी सही है, ये भी dispropionation सही है, आपसे पूछा है असत्य, तो ये वाली गलत है रिएक्शन, गलत रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या बनेगा? Cl2। रिएक्शन कौन सी होगी? Bacon's प्रोसेस, Bacon's प्रोसेस है, तो ये HClO4 नहीं बनेगा, तो फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। और देखो, ओजोन जो है ना,
वो S माइनस टू को ओजोन खुद तो जाता है O2 में, S माइनस टू को कहां भेज देता है? SO4 माइनस टू में. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉस्फीन इट एक्सप्लोड इन कॉन्टेक्ट विथ Br2 वेपर? हाँ, HNO3 Br2 वेपर इनके कॉन्टेक्ट में आएगी तो ये एक्सप्लोड होती है. सही है, इट इज कलर्ड गैस. गलत, कलर्ड नहीं होती है, कैसी होती है? कलरलेस, कलरलेस. और रोटन एक भी नहीं होती है. रोटन क्या होती है? फिश स्मेल. तो गलत हो गया. ये वाला सही है, इन प्योर स्टेट इज नॉन इनफ्लेमेबल. सही है, PH3 प्योर स्टेट में नॉन इनफ्लेमेबल रहती है, बट इन प्रेजेंस ऑफ P4 वेपर और P2H4 इट्स बिकम इनफ्लेमेबल. तो ये वाला भी सही है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है तो आ जाएगा सेकंड. नेक्स्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ PH3, PH3 का एक्वस सॉल्यूशन लाइट की प्रेजेंस में H2 देगा और यहां देगा रेड फॉस्फोरस, और एल्कली के साथ यहां बन जाएगा हाइपो फॉस्फोरिक. तो इसके पीछे हम बात कर चुके हैं इस रिएक्शन की, हाइपो फॉस्फोरिक. तो यहां पे आपके पास पूछा है ए एंड बी विल बी रेस्पेक्टिवली, तो रेड फॉस्फोरस एंड हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, सेकंड इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन सब्लिमाइज ऑन हीटिंग? अक्स ई F4, अक्स ई F6, अक्स ई F2, PCl5, AlCl3. ये सब्लिमाइज ऑन हीटिंग, सब्लिमाइज ऑन हीटिंग, ये जहां दिए हुए हैं वहां फड़े आप इनको सब मिल जाएगा. तो यहां पे कौन सा होगा? ये आपको चारों ही सब्लिमाइज हो जाएंगे, तो आंसर जाएगा, एक मिनट, अक्स ई F4, AlCl3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो आंसर जाएगा, हो जाएगा थर्ड. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, ये सिंपल क्वेश्चन है एकदम. बोराजीन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन. It has a ring structure with alternate BH and NH group. Which of the following statement are incorrect? जी हाँ, aromatic nature की होती है, boron ये वाली होती है, boron and boron and boron and ये H, ये H, ये H, ये H, ये H और ये H. ये इसको lone pair देता है, ये इसको lone pair देता है, ये इसको lone pair देता है. सही है. 2 pi electron, 6 pi electron है, सही है. Like organic benzene, borazine does not give additional product with HCl. ना, benzene नहीं देती है, but borazine addition reaction देती है due to polarity. इसमें bond में polarity होती है, इसलिए ये वाला statement गलत हो गया. Borazine contain dative p pi bond. देखो ये p pi bond जो है वो कौन सा है? Dative वाला है. तो आपसे पूछा है, incorrect, तो answer जाएगा third. Next, the lanthanoid element heated with sulfur, then atomicity of product will be. तो lanthanoid element है, S8 के साथ heat करूंगा, तो यहां से तो क्या बनेगा? S-2, यहां से क्या बनेगा? +3. Formula क्या बन जाएगा? Ln2S3. Atomicity का मतलब होता है total number of atom in compound. Atomicity का मतलब होता है total number of compound. Total number of atom in compound. तो यहां 2 lanthanoid है, 3 sulfur है, 5. Answer आएगा second. Next, when FeSO4 is heated with the following product are not expected. तो FeSO4 famous example है, इसको heat करते तो पहले FeO और SO3 बनता है, आगे ये react करता है, ये oxidizing agent है, छोड़ी ये reducing agent है और ये oxidizing agent है, तो ये convert करता है Fe2O3 में और SO2 में. तो Fe2O3 आया, SO2 आया, SO3 आया, H2S कहीं से नहीं आएगा, तो fourth. ये वाला इंफॉर्मेशन बेस्ड है, 1.5 आएगा. इसके मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि यहां पे अक्स ई F2 बनता है, ठीक है, अक्स ई F4 1:5 में लेना होता है, अक्स ई F6 1:20 में लेना होता है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है. P4O6 स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन ऑक्साइड देन P4O10. क्या P4O6
P4O10 के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड है क्या? तो स्टेटमेंट सही है। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइथैनिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड हैव सेम बेसिसिटी। तो मैं बोल देता हूं कि सल्फर के सभी ऑक्जी एसिड डाई बेसिक होते हैं। तो ऑल ऑक्जी एसिड ऑफ सल्फर आर डाई बेसिक। तो ये भी हैव सेम बेसिसिटी, सही बात है। द सोडियम सॉल्ट ऑफ हेक्सामर ऑफ H2O3 नोन एज कैल्गोन, ये भी सही है। वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इस रीजन का यूज लेते हैं और इसका हेक्सामर देखो H2O3 इसका बनाना है मुझे हेक्सामर। इसका हेक्सामर क्या बन जाएगा? H6P6O9 हेक्सामर ये बनेगा H6P6O9। तो यहां क्या हो जाएगा? सोडियम सॉल्ट बनाना है तो Na6P6O9 सॉरी O18। तो ये बन जाएगा, इसका नाम है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। दिस इज कॉल्ड सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ये किसका हेक्सामर है? इसका कौन सा सॉल्ट है? सोडियम। तो कैल्गोन सही है। P4O10 स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड देन P4O6 ना, ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर हमें पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है 4 है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि P4O10 तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है ना, नहीं होता। अब थोड़ा सा अगर आपने देखा है तो इसको थोड़ा सा मैं कंक्लूड कर देता हूं। देखिए आपको आपने ये चीज तो पढ़ी होगी ना कि H3PO2 या PO3 स्ट्रॉन्ग एसिड देन H3PO4। H3PO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कंपेरेटिव टू H3PO4, पढ़ा होगा। क्यों? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर मैं P4O6 का हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं और P4O10 का हाइड्रोलाइसिस कराता हूं तो यहां तो बनता है H3PO4 और यहां बनता है HPO3। किसी भी ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो हम चेक करते हैं उससे बनने वाले एसिड से या उससे बनने वाले बेस से। तो इन सबसे ये क्लियर हो रहा है कि P4O6 P4O10 के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा 4th। आंसर आ जाएगा 4th। ठीक है, नेक्स्ट 89 क्वेश्चन। विच इज इनकरेक्ट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन से अपने पास? N2O भी है, तो NH4NO2 को हीट करने पे N2O बनेगा क्या? ना, गलत रिएक्शन। NH4NO2 को हीट करने पे N2 बनता है और NH4NO3 को हीट करने पे N2O बनता है, तो ये गलत रिएक्शन है। फिर सेकेंड रिएक्शन 4HNO3 और P4O10, तो डेफिनेटली बनेगा N2O5। बनाने का मेथड है, क्यों मेथड है? देखो अगर मैं 2HNO3 लेता हूं और इसमें से H2O बाहर निकालता हूं तो 2HNO3 में से तो बाहर निकालूंगा तो इसका एनहाइड्राइड बनेगा N2O5। अब ये H2 निकालने का काम कौन कर रहा है? P4O10 यहां पे क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये रिएक्शन भी सही है। NO और N2O4 NO प्लस NO2 1:1 या फिर 2NO और इसका डाइमर बना देता हूं N2O4
ठीक है, इनकी मिक्सिंग करते हैं तो एक ब्लू कलर का सॉलिड का फॉर्मेशन होता है जो है N2O3, NH4NO3, ये वाला सही। तो हमने पूछा है इनकरेक्ट रिएक्शन कौन सी है, तो इनकरेक्ट रिएक्शन है वो है फर्स्ट। नेक्स्ट, बाय एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट टू कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एन एक्सट्रीमली अनस्टेबल कोवेलेंट ग्रीन ऑयल प्रोड्यूस। देखो क्वेश्चन यहां से पकड़ में आएगा, कोवेलेंट ग्रीन ऑयल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है Mn2O7 कोवेलेंट ग्रीन कलर का होता है, तो K1O4 को कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं तब बनता है Mn2O7, एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है भैया। तो हम ये भी पढ़ते हैं कि K1O4 को जब एसिडिफाई करते हैं तो हम डाइल्यूट H2SO4 से एसिडिफाई करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 से एसिडिफाइड नहीं करते हैं, क्योंकि इससे करेंगे तो Mn2O7 बन जाएगा। तो हमें यही पूछा है, एकदम क्वेश्चन में बाकायदा पूरा हिंट है, एनसीईआरटी पढ़ो डी ब्लॉक की, वहां लिखा हुआ है कि Mn2O7 कोवेलेंट ग्रीन ऑयल होता है, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिसप्रोपियोनेट, कौन सा आयन डिसप्रोपियोनेट नहीं होगा, तो Cu+ डिस्प्रोपिनेट होता है Cu+2 में और Cu में, गैलियम भी +1 में अनस्टेबल है, ये भी डिस्प्रोपिनेट होगा Ga और Ga+3 में, Au+ भी डिस्प्रोपिनेट होगा और ये डिस्प्रोपिनेट होगा Au+3 में, ये डिस्प्रोपिनेट रिएक्शन होती है एक्वस सॉल्यूशन में, Au ऑलरेडी +3 में स्टेबल होता है, ये डिस्प्रोपिनेट नहीं होगा। तो +1 वाले जितने ये है, कॉपर है, गैलियम है, गोल्ड है, ये तीनों डिस्प्रोपिनेट होंगे, Au+ डिस्प्रोपिनेट होके Au+3 में जाता है। गोल्ड के मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स +3 में बनते हैं, गोल्ड की ऑक्सीजन स्टेट +3 ही ज्यादा स्टेबल होती है, रीजन वही है, यहां तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लग गया और इस केस में क्या लग गया, हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसका मतलब कौन सा डिस्प्रोपिनेट नहीं होगा, तो आंसर आएगा सेकेंड। नेक्स्ट, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इन सॉलिड PCl5 मैक्सिमम डी ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन इज एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, PCl5 सॉलिड आपने लिया है तो PCl5 सॉलिड एग्जिस्ट कैसे करेगा, PCl4+PCl6-, यहां हाइब्रिडाइजेशन आया sp3 तो इसमें तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, यहां हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2, तो ये बोल रहा है कि पार्ट डी ऑर्बिटल टेक पार्ट, तो कितने डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड अंडरगो डिसप्रोपिनेट अपॉन हीटिंग, रेडॉक्स से मान लो रिलेटेड मान लो या पी ब्लॉक से रिलेटेड मान लो, एस सीरीज एसिड प्लस HClO3 अंडरगोज डिसप्रोपिनेशन, ये वाले डिसप्रोपिनेशन शो करते हैं, कौन शो करेगा डिसप्रोपिनेशन वाले, कौन होंगे वो, ये वाले एसिड होंगे। अब देखो HClO4 तो ऑलरेडी एक सीरीज का है, हायर एसिड का है, तो ये वाला तो नहीं होगा। HNO2 को हीट करोगे, NCRT में रिएक्शन है, इसको हीट करोगे तो डिसप्रोपिनेट होगा HNO3+NO, H3PO3 इसको हीट करोगे तो ये भी डिसप्रोपिनेट होगा PH3 और H3PO4 में, HClO3 को हीट करोगे तो ये भी जस्ट हायर एक एसिड बनाएगा HClO4 और HCl, ये लो। तो यहां कौन सा डिसप्रोपिनेट होगा ये पूछा हुआ है, तो फर्स्ट को एक को छोड़ के बाकी तीनों होंगे, ऐसा आंसर अपने पास है फर्स्ट में, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। और क्लियर, नेक्स्ट देखो, ड्यू टू लो वॉलिटी ऑफ H2SO4 इट यूज टू फॉर्मेशन मोर वॉलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, विच एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस प्रिंसिपल, HNO3 बनाया जा सकता है क्या, इसका सॉल्ट होगा NaNO3 H2SO4 और ये मोर, ये लेस वॉलेटाइल है, ये मोर वॉलेटाइल एसिड का सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है, ये HNO3 का सॉल्ट है, तो ये बनाया जा सकता है, HNO3 बन जाएगा। फिर दूसरा HF की बात करूं तो HF का सोल्ट ले लिया, मान लो ये CaF2 ले लिया,
इसकी रिएक्शन करा दी कंसंट्रेट H2SO4 से, तो HF बन जाएगा और साइड में CaSO4 बन जाएगा। HBr की बात करूं तो HBr का मैंने कोई भी सॉल्ट लिया, मान लो NaBr लिया, कंसंट्रेट H2SO4 डालूंगा तो पहले HBr बन जाएगा, बट HBr फर्दर ऑक्सीडाइज इन Br2, कंसंट्रेट H2SO4 Br2 से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहां ये F2 में नहीं जाएगा, ठीक है, तो यहां पे ये Br2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंसंट्रेट H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो HBr को कहां लेके जाएगा, Br2 में, तो इसका प्रिपरेशन नहीं होगा, HCl बन जाएगा, NaCl प्लस कंसंट्रेट H2SO4, तो HCl बन जाएगा, आगे ये Cl2 में नहीं जाएगा क्योंकि Cl2 खुद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंपेरेटिव टू कंसंट्रेट H2SO4। और अगर कंक्लूड करूं तो एक्सेप्ट HI एंड HBr ऑल एसिड कैन बी प्रिपेयर, सभी बनाए जा सकते हैं, HI में HI बनेगा तो वो I2 में चला जाएगा, HBr भी R2 में चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, फॉलोइंग गैसेस अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्लोरीन एटम, पोजीन है, टियर गैस है, मस्टर्ड गैस है, तो पोजीन का फॉर्मूला होता है ClCOCl, दिस इज कॉल्ड पोजीन। और बता देता हूं क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में O2 से करवाते हैं तब भी बन जाता है। टियर गैस CCl3NO2, दिस इज कॉल्ड टियर गैस। मस्टर्ड गैस, तो मस्टर्ड गैस एक सिंपल सा कंपाउंड है, सल्फर CH2CH2Cl और CH2CH2Cl, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो देखो यहां पे तीन क्लोरीन एटम है, यहां पे दो है और यहां पे दो है, तो सब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम किस में हुए, बी में, फिर ए और सी में क्या हो गए, बराबर आंसर चला जाएगा फोर। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट फॉर जिनोन फ्लोराइड, कि जिनोन फ्लोराइड की कौन सी रिएक्शन सही है, ठीक है, तो पहली रिएक्शन देखें अक्स ई एफ टू टू एच टू ओ, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, ठीक है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो यहां पे बन जाएगा, ये बन जाता है एच एफ, फिर अक्स ई ओ बचता है जो कि आगे वापस टूट जाता है किसमें, अक्स ई और हाफ ओ टू में, तो अक्स ई ओ टू नहीं बनेगा, अक्स ई ओ टू एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अक्स ई ओ एग्जिस्ट नहीं करता है, अक्स ई ओ टू एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये रिएक्शन गलत है। अक्स ई एफ टू पी एफ फाइव, तो यहां अक्स ई एफ टू और ये पी फाइव, ये वाला हो गया लेविस एसिड और ये हो गया फ्लोरीन एक्सेप्टर, क्या हो गया, फ्लोरीन एक्सेप्टर हो गया, तो यहां से ये फ्लोरीन ले लेगा, तो क्या बनना चाहिए, अक्स ई एफ, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर क्या बन जाएगा पी एफ सिक्स माइनस, ऐसा नहीं है, ये फ्लोरीन डोनेट नहीं करता है, तो ये रिएक्शन भी गलत है, अक्स ई एफ थ्री माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है, अक्स ई एफ फोर एस बी एफ फाइव, तो देखो ये वाला भी सुपर लेविस एसिड है, लेविस एसिड है, इधर से फ्लोरीन ले लेगा, फ्लोरीन एक्सेप्टर है, ये फ्लोरीन डोनर है, ये फ्लोरीन डोनर है, यहां भी ये फ्लोरीन डोनर का काम करता है, ये डोनर होते हैं, फ्लोरीन डोनर होते हैं, फ्लोराइड डोनर जिसको हम बोलते हैं, तो ये इसको फ्लोरीन देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा SbF6 में और HCF3 में, ये सही है। अक्स EF2 की O2 F2 से रिएक्शन करने पे अक्स EF4 O2 बनता है, गलत है रिएक्शन, अक्स EF4 O2 F2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, अक्स EF6 बनाता है, ये रिएक्शन गलत है, क्योंकि अक्स ई एफ फोर जो है ना, अक्स ई एफ टू है वो तो है फ्लोराइड डोनर, मतलब इसका केवल काम फ्लोराइड डोनेट करने का होता है, अक्स ई एफ फोर जो है वो डोनर भी है, फ्लोराइड डोनर भी है एंड एक्सेप्टर भी है, तो इस रिएक्शन में
ये एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए FeCF6 बना रहा है और इस रिएक्शन में ये डोनेट कर रहा है। तो यहां पूछा है करेक्ट रिएक्शन, तो करेक्ट रिएक्शन कौन सी है? थर्ड। थर्ड इज करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रीहेलोजन कंपाउंड इज नॉट करेक्ट? कौन सी करेक्ट प्रॉपर्टी इंट्रीहेलोजन कंपाउंड के लिए करेक्ट नहीं है? दीज ऑल आर कोवेलेंट मॉलिक्यूल एंड डायमैग्नेटिक। सही बात है, डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। दे आर वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड। 298 केल्विन पे ये वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड होते हैं, एक्सेप्ट CLF, ये भी डिट्टो एनसीईआरटी की लाइन है। दीज कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज एक्वस सॉल्वेंट। देखो क्वेश्चन ऑप्शन को पकड़े, एक्वस सॉल्वेंट कहां है? एक्वस तो वाटर होना चाहिए ना। यहां सही कब होता? जब मैं लिखता नॉन एक्वस सॉल्वेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। Cl3BrF3 आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ UF6 इन द एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम-235। ये स्टेट सही है, ये सही है, ये सही है, से थर्ड स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो आंसर जाएगा थर्ड, हमें यही पूछा है कि नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, 16 ग्रुप एलिमेंट फॉर्म टू टाइप ऑक्साइड EO2 एंड EO3, टू टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर दीज ऑक्साइड, इन ऑक्साइड के लिए करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीज फ्रॉम SO2 टू EO2। तो SO2 और SeO2 और ये TeO2 किसमें है? प्लस फोर में। तो प्लस फोर में है तो प्लस सिक्स में जाने की टेंडेंसी भी है और प्लस टू में आने की टेंडेंसी भी है, तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह एक्ट करेगा। अब प्लस फोर में है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने बोला डाइऑक्साइड डिक्रीज फ्रॉम SO2 TeO2, तो टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी तो बढ़ता है। तो SO2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और TeO2 भाई जब रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तो आगे वाले किसी कंपाउंड का रिडक्शन करेगा, और जब रिडक्शन करेगा तो खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी ना, खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब रिड्यूसिंग नेचर कम हो जाएगी, रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज हो जाएगी। SO3, SeO3 और TeO3 ये प्लस सिक्स के हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेंगे। अब ये अगर ऑक्सीडेशन करेंगे, किसी का ऑक्सीडेशन करेंगे तो खुद किस में जाएंगे? लोअर में जाएंगे, और लोअर में जाएंगे तो टॉप टू बॉटम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो इनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीज फ्रॉम SO2 टू TeO2 सही है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड इंक्रीज फ्रॉम SO2 TeO2 ये भी सही है। बोथ टाइप ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, क्या दोनों टाइप के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं क्या? डेफिनेटली एसिडिक नेचर के होते हैं, जहां तक मैंने बात की है, यहां तक ये एसिडिक नेचर के होते हैं क्योंकि नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। तो हमें पूछा है कि ऑप्शन आर करेक्ट, तो वो हो जाएगा ABC। नेक्स्ट, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैस वाज प्रिपेयर्ड बाय बर्टलेट। सबको पता है फर्स्ट कंपाउंड इनर्ट गैस का बर्टलेट के द्वारा ये वाला आया था XePTF6, ये वाला कंपाउंड बाय विच ही इज रियलाइज्ड। इसमें यह पूछा है कि वो कौन सा कंपाउंड है जिससे बर्टलेट ने इंस्पायर होके इनर्ट गैस का पहला कंपाउंड बनाया था, तो वो ये वाला कंपाउंड था। दोनों ही रेड कलर के थे क्योंकि रेड कलर तो जो आ रहा है वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी की वजह से आ रहा है। इस कंपाउंड से रियलाइज होके उसने ये कंपाउंड बनाया था, तो मैंने इस कंपाउंड के लिए पूछा है क्वेश्चन में, क्योंकि उसने देखा कि जीनोन से अक्स ई प्लस जाते हैं तो इतनी एनर्जी की जरूरत होती है, और ओ टू से ओ टू प्लस जाऊंगा तो इतनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी किलो जूल पर मोल की, तो उसने जीनोन को रिप्लेस कर दिया ओ टू मॉलिक्यूल से, और ये वाला कंपाउंड सॉरी ओ टू को रिप्लेस कर दिया जीनोन से, यहां ये है और यहां ये है 3, ठीक है। तो किस कंपाउंड से उसने रियलाइज किया? तो वो आंसर है इसका सेकंड कंपाउंड से उसने रियलाइज किया कि इनर्ट गैस का कंपाउंड बन सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट एंड ड्राई ब्लीचिंग एजेंट। देखो SO2 टेंपरेरी ब्लीचिंग एजेंट है, Cl2 वाटर
ये वाटर के साथ है तो ड्राई नहीं है, H2O2 कैसे टूटेगा, H2O और O, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन है जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है ब्लीचिंग के लिए, ये नेसेंट ऑक्सीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग। तो इसके साथ क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, तो ये भी ड्राई नहीं है। ओजोन ओनली और ओनली ओजोन ऐसा रिएजेंट है जो परमानेंट भी है और टेम्परेरी भी है, यहां वाटर का कोई यूज नहीं है, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट रिएक्शन दी है HClO2 HCl2 2H2O, हमें पता है कि यहां ये CuCl2 कैटलिस्ट का काम करेगा और इस रिएक्शन का नाम है क्या, डेकन्स प्रोसेस, डेकन्स प्रोसेस नाम है। तो पूछा है HCl2 known as Deakin process, HCl MnO2 CuCl2 known as Bose process, Deakin process, तो Deakin process के लिए स्टेटमेंट ये आ जाएगा सही, ये वाला होगा फर्स्ट। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कैन सब्स्टिट्यूट बाय द अदर हेलोजन, तो यहां देखें लोअर एटॉमिक नंबर हैविंग हेलोजन, हैविंग हेलोजन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड हायर एटॉमिक नंबर हैविंग हैलाइड आयन, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर क्या रहता है, F2, Cl2, Br2 और I2, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ये वाली ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है, तो क्या पहला है के आई आई माइनस के प्लस एफ टू, लोअर एटॉमिक नंबर वाला हेलोजन है, हायर एटॉमिक हैलाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, आई टू में चला जाएगा, खुद किस में आ जाएगा, एफ माइनस में, के एफ एफ टू, तो यहां तो एफ माइनस और एफ टू है तो सेम ही है, तो यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी। के सी एल बी आर टू, ठीक है, हेलोजन कैन बी सब्स्टिट्यूट द अदर हेलोजन, इसमें सी एल माइनस और ये बी आर टू, तो ये वाला लोअर है, यहां भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। के सी एल आई टू, तो यहां वही बात हुई, सी एल माइनस और आई टू, ये लोअर हो गया, तो यहां भी रिएक्शन नहीं होगी। हायर हेलाइड, हायर एटोमिक नंबर हैविंग हेलाइड आयन को लोअर एटोमिक नंबर हेलाइड आयन क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है, तो इसमें केवल आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट, सिंपल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट द फॉर्मूला ऑफ कर्नाइट विल बी, तो कर्नाइट का फॉर्मूला होता है ये वाला, ये केलेमेनाइट है, ये केलेमेनाइट है और ये वाला बोरेक्स है, और ये कोई अननोन फॉर्मूला है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो Na2b4o7 4h2o बोरोन फैमिली में जहां स्टार्ट किया है चैप्टर को, वहां कर्नाइट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, आंसर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट ग्रीन कलर ऑफ FeCl2 इज कन्वर्टेड टू Fe+3 येलो, मतलब Fe+2 को आपको कन्वर्ट करना है Fe+3 में, तो यहां क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ए आ जाएगा काम में, क्योंकि ए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Cr2O7H+8 ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। SO2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये नहीं करेगी कन्वर्ट। SO2 क्या करती है, Fe+3 को रिड्यूस करती है Fe+2 में। Cl2H2O4 8, तो यहां HOCl बनेगा जो HCl और ये O नेसेंट ऑक्सीजन देगा, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कौन कौन कन्वर्ट कर सकते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कन्वर्ट कर देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने पास A है, B है और D है, ऐसा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में है, तो आंसर देगा फर्स्ट। नेक्स्ट ये भी सिंपल क्वेश्चन, एल्यूमिनियम है, नाइट्रोजन से हीट किया तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, याद करो एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम बोरोन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम कार्बन से रिएक्ट करेगा तो कार्बाइड बनेगा, Al4
C3। अब इसमें N-3 है, इसका हाइड्रोलाइसिस से कौन सी गैस बाहर आएगी? अमोनिया। और इसमें क्या है? C-4, इसके हाइड्रोलाइसिस से कौन सी गैस बाहर आएगी? CH4 मीथेन। आपसे पूछा है आपका हाइड्रोलाइसिस ए एंड बी फ्रॉम रेस्पेक्टिवली, तो अमोनिया और मेथेन बन जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन रिएक्ट विथ वॉटर, कौन सा पेयर वॉटर के साथ रिएक्ट कर सकता है? तो देखो ये वाले रिएक्ट नहीं करते हैं, कोवेलेंट सॉलिड है, तो वॉटर पागल हो जाएगा, इतने बॉन्ड है तो तोड़ ही नहीं पाएगा, रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगी। कोवेलेंट सॉलिड का मतलब एक लार्ज नेटवर्क में अरेंज्ड है, तो वॉटर के मॉलिक्यूल इतने बॉन्ड को तोड़ने में सक्षम नहीं है, प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक हो जाएगी। P4S8, तो यहां भी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ठीक ठाक से है, यहां इसमें 4 है, ये देखो कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। S8 की बात करें तो यहां भी सल्फर 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 सल्फर, यहां भी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा हो गए, तो यहां भी मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसका नहीं करेगा, इसका नहीं करेगा। O2N2O2 की हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, NN की भी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, तो इनका भी नहीं करेगा, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए इससे भी रिएक्ट नहीं करेगा। नॉन मेटल में वॉटर केवल हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है, उसमें भी I2 के साथ नहीं करता, तो यहां आंसर रहेगा F2 और Cl2। और आपको पता होगा कि F2 के साथ रिएक्शन करता है H2O, जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? O2 और HF बनता है, F2 के साथ रिएक्ट करता है तो, और Cl2 के साथ जब वॉटर रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? HOCl प्लस HCl। तो केवल आंसर जाएगा सेकंड वाला पेयर रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट, जनरल फॉर्मूला ऑफ सिलिकॉन्स, सिलिकेट है सिलिकेट है सिलिकेट है, सिलिकॉन्स में क्या है? एटलीस्ट वन वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन, एटलीस्ट वन वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन कंप्लीट बाय एल्काइल या एराइल ग्रुप, एल्काइल या एराइल ग्रुप से होना चाहिए। तो ये तीनों ही जो फॉर्मूले हैं वो किसके हैं? सिलिकेट के। दिस इज मेटा सिलिकेट, पायरोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट, और ये वाला हो जाएगा सिलिकॉन्स, तो आंसर जाएगा हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, ओजोन इज फॉर्मड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, डेफिनेटली O2 में हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो क्या बनता है ओजोन? पता है इसका डेल एच क्या आता है? पॉजिटिव आता है। ऑक्सीजन ओजोन की कंपोजिशन में थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होती है, तो रिएक्शन वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाए, इसीलिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास आउट करते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी एनर्जी ड्यूरिंग रिएक्शन रिलीज हो गई तो वापस रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन चली जाएगी। तो इन दिस रिएक्शन क्या होता है? एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी इज रिलीज, ऑक्सीजन गेट डिसोसिएट इनटू एटम्स, ऑक्सीजन इज एसोसिएटेड विद एनर्जी। ऐसा कुछ नहीं है, एनर्जी तो रिलीज ही नहीं होती, गलत हो गया, ऑक्सीजन डिसोसिएट नहीं होता है इनटू एटम्स, ठीक है, एनर्जी रिलीज नहीं होती है, क्या होती है? एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, यहां ZnS है और O2 है, तो यहां पे क्या करवाया है? रोस्टिंग। तो A सॉलिड क्या बना? ZnO, और B बेस गैस क्या बना? SO2। यहां फिर O2 और कैटलिस्ट C, तो SO2 O2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो कैटलिस्ट कौन सा है? V2O5। और D गैस कौन सी बनेगी? SO3। कौन सी बनेगी? SO3। फिर है SO3, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने Cl2 गैसियस से इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल, SO3 की रिएक्शन करवाई Cl2 गैस से इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल, तो यहां E लिक्विड बनेगा, वो ही बनेगा SO2Cl2, प्लस 6 में है, प्लस 6 में ही रहेगा। अब आपको बोला है ABCDER रेस्पेक्टिवली, तो A ZnO है, B SO2 है, ऐसा ऑप्शन हमें पता लग रहा है, यहां लग रहा है और यहां लग रहा है, तो इनका तो कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद C V2O5, यहां भी सेम है, ये SO3 और ये SO2Cl2, आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कांटेक्ट प्रोसेस, सबको पता है
which involve a different step. The SO2 produce is impure. It have impurities of arsenic oxide which are removed by. ये बोल रहा है कि जो कॉन्टेक्ट प्रोसेस है उसमें SO2 हम जो यूज में लेते हैं वो इम्प्योर होती है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल को भी रिमूव करते हैं, उसमें आर्सेनिक ऑक्साइड की जो इंप्यूरिटीज होती है ना वो किससे रिमूव करते हैं? वाटर स्प्रे, तो वाटर स्प्रे तो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल रिमूव करते हैं। कंसंट्रेट एस्टोसोपोर मॉइस्ट SO2 को कन्वर्ट करते हैं ड्राई SO2 में, डस्ट पार्टिकल, डस्ट प्रसिपिटेशन या डस्ट पार्टिकल, और इससे भी डस्ट रिमूव, इससे भी डस्ट रिमूव करते हैं। सबसे पहले SO2 जो आती है ना उसको डस्ट प्रसिपिटेशन से पास आउट करते हैं, उसके बाद उस पर वाटर का स्प्रे करते हैं, तो हेवी पार्टिकल भी क्या होने लग जाते हैं, पास आउट होने लग जाते हैं। फिर कंसंट्रेट एस्टोसोपोर से पास आउट करते हैं, मॉइस्ट SO2 ड्राई SO2 में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद जिलेटिनियस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 अक्स H2O, ये आर्सेनिक ऑक्साइड जो As2O3 है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कंसंट्रेट एस्टोसोपोर कॉन्टेक्ट प्रोसेस का एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है, उस डायग्राम को देखोगे तो पहले डस्ट प्रसिपिटेशन होता है जो डस्ट को वहीं पे रोक लेता है, फिर भी आगे डस्ट चली जाती है तो उसको वाटर का स्प्रे से हम रिमूव करते हैं, उसके बाद वाटर का स्प्रे करते हैं तो SO2 मॉइस्चर हो जाती है, तो उसको ड्राई करते हैं कंसंट्रेट एस्टोसोपोर से, फिर हम उसको पास आउट करते हैं हाइड्रेटेड फेरिक हाइड्रेटेड ऑक्साइड से, तो यहां पे आर्सेनिक ऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद SO2 आपके पास प्योर होती है और ड्राई होती है, फिर उसको कैटालिटिक कन्वर्टर V2O5 से पास आउट करते हैं तो वो SO3 में कन्वर्ट हो जाती है, फिर उसको कंसंट्रेट एस्टोसोपोर पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ओलियम बन जाता है, फिर ओलियम के हाइड्रोलाइसिस से हम डिजायर्ड कंडीशन का डिजायर्ड कंसंट्रेशन का डायल्यूट कंसंट्रेट डिजायर कंसंट्रेशन का एस्टोसोपोर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहां ये इंप्यूरिटीज किससे हटाएंगे, जिलेटिनियस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फोर्थ ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सही हुआ होगा। नेक्स्ट, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांसन मेटल एंड देयर कंपाउंड इज एस्क्राइब्ड मेनली टू, बाय ट्रांसन एलिमेंट है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट एप्रोप्रियल, मोस्ट एप्रोप्रिएट आपको ऑप्शन चूज करना है और वो है देयर एबिलिटी टू एडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू से प्लस थ्री, प्लस थ्री से प्लस फोर, प्लस थ्री से प्लस टू, इसलिए किसका काम करते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव रेडॉक्स रिएक्शन व्हेन अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, तो देखो अक्स ई एफ सिक्स है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो बन जाएगा 6HF और अक्स ई ओ थ्री, तो ये वाली जो रिएक्शन हुई है ये वाली रिएक्शन है नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, कैसी रिएक्शन है, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। फिर N2O4 की बात करूं तो नाइट्रोजन एबनॉर्मल ऑक्सीजन स्टेट प्लस 4 में है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा तो HNO2 भी बनेगा और HNO3 भी बनेगा, प्लस 3 का भी बनेगा, प्लस 5 का भी बनेगा, तभी एवरेज ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी, प्लस 4 आएगी। ये वो वाली कौन सी रिएक्शन हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। ऐसे में बात करूं Cl2O6 की तो यहां भी क्लोरीन एबनॉर्मल ऑक्सीजन स्टेट प्लस 6 में है H2O में, तो HClO3 बनेगा और HClO4 बनेगा, ये वाला प्लस 5 का है, ये वाला प्लस 7 का है, दोनों का एवरेज निकालोगे तो यहां भी कितना आएगा, प्लस 6 आएगा, बट ये भी कैसी हो गई, रेडॉक्स हो गई, तो आंसर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, Which of the following give blood red color with NaHCN? तो ये भी NCERT का एक क्वेश्चन है, HCN के साथ ब्लड रेड देता है, वो देता है Fe+3। आपको पता है लेसाने टेस्ट हम पढ़ते हैं, अगर सल्फर कार्बन दोनों प्रेजेंट है कंपाउंड में तो ये सोडियम मेटल के साथ सल्फर कार्बन और नाइट्रोजन तीनों प्रेजेंट है, तो सोडियम मेटल के साथ पहले बनाएंगे NaHCN और NaHCN Fe+3 के साथ रिएक्ट करके बनाएगा FeHCN का होल थ्राइड, जो किस कलर का होता है, ब्लड रेड सॉल्यूशन। ध्यान रखना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछे ना तो वो हमेशा क्या रहता है, 6 रहता है, आगे H2O इसमें प्रेजेंट होता है, तो आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट,
सिंपल क्वेश्चन है, विच इज केमिकल मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, दीज आर फिजिकल मेथड। ये फिजिकल मेथड है और ये कंसंट्रेशन मेथड है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, फिजिकल मेथड। लीचिंग किसके लिए करते हैं, एल्यूमिना के लिए लीचिंग करते हैं, एजी एयू इनके लिए लीचिंग करते हैं। तो यहां रिएक्शन होती है, इनके लिए एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट होता है NaCN, इसके लिए NaOH हो सकता है, Na2CO3 हो सकता है, या फिर नाइट्रोजन हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा किसका करवा रहे हो। रेड बॉक्स तीन प्रोसेस पढ़ते हो यहां पे, लीचिंग की, बेयर प्रोसेस, होल प्रोसेस और सल्फेट प्रोसेस। नेक्स्ट, तो आंसर जाएगा लीचिंग इज केमिकल मेथड। नेक्स्ट, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, डायमंड इज ए प्रीशियस स्टोन एंड यूज्ड इन ज्वेलरी, इज मेजर्ड इन कैरेट्स, 1 कैरेट इक्वल टू, डायमंड जहां दिया हुआ है वहां पे 1 कैरेट 200 mg के इक्वल होता है। तो आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन नॉट ड्राइड बाई कंसंट्रेट H2SO4, तो SO2 को ड्राई कर सकते हैं, ये मोइस्ट है, तो SO2 क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। NH3 को करने जाओगे, NH3 मोइस्ट है, M का मतलब मोइस्ट है, तो पहले ये ड्राई तो हो जाएगा, ठीक है, बट ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, अमोनियम सल्फेट बना देगा, तो हमें अमोनिया गैस तो मिली नहीं, जिसको ड्राई कर रहे थे ड्राई तो हो गई बट वो तो सॉल्ट फॉर्म में चली गई, तो इसका मतलब NH3 को नहीं कर सकते, H2 को ड्राई करना चाहिए। बट देखो, अगर H2 मोइस्ट है और आपने लिया कंसंट्रेट H2SO4, तो ये इससे वाटर रिमूव करेगा, और वाटर रिमूव करेगा तो कंसंट्रेट H2SO4 वाटर के साथ क्या होता है, एक्सोथर्मिक, क्या होता है, एक्सोथर्मिक, कंसंट्रेट H2SO4 वाटर के साथ एक्सोथर्मिक होता है, और साथ में कौन सी गैस है, ये यहां एनर्जी रिलीज होती है, H2 जलाने में सहायक है, H2 जलाने में सहायक है, कंबसन में हेल्प करती है, तो ऑलरेडी एक्सोथर्मिक हो रही है रिएक्शन, और H2 और उसमें घी का काम करेगा, तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक, इसलिए H2 को भी नहीं कर पाएंगे, इसको भी नहीं कर पाएंगे, इसमें तो सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, सॉल्ट बन जाता है, यहां क्या हो गया, एक्सो हो गई, H2S इसको भी नहीं करेंगे, क्योंकि H2S जो है ना, कंसंट्रेट H2SO4 है ना, वो S-2 को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, सल्फर में, तो केवल किसको, कैन नॉट ड्राइड बाई, तो BCD इनको नहीं कर सकते, आंसर जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ फॉस्फरस लिंकेज, तो वो H4P2O6 है, और इसमें ये OH, P डबल बॉन्ड OH, PO, OH, OH, नाम है हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, ये वाला नाम है, ओनली दिस एसिड हैव फॉस्फरस लिंकेज, किसी भी बात की है, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग होम्स सिग्नल, होम्स सिग्नल के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है, तो होम सिग्नल है क्या भाई, pH, कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड, इनके मिक्सर को मिला के सी वॉटर में फेंक देते हैं, तो इसका एड्रेस होता है pH3 और इसका एड्रेस होता है एसिटाइलिन बनता है, ठीक है। pH3 catches fire in contact of air spontaneously, ना pH3 फायर कैच नहीं करती है, उसमें इंप्यूरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इन प्योर स्टेट pH3 इज नॉट इनफ्लेमेबल इन नेचर, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। P2H4, हाँ, pH3 में इंप्यूरिटीज किसकी होती है, इसमें जो pH3 बनेगा उसके साथ और क्या बनेगा, P2H4 भी बनेगा, तो ये P2H4 हेल्प करता है इसके कंबसन में, तो इंप्योर स्टेट में ये कंबसन नेचर शो करती है, इनफ्लेमेबल नेचर की होती है, तो pH3 P2H4 के चेंज फायर, ठीक है, pH3 C2H2 P2H4 आर फॉर्मड टुगेदर डेफिनेटली, क्योंकि इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो pH3 बनेगा, इसके साथ और क्या बनेगा, P2H4 बनेगा,
और इसका एड्रेस होगा तो एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच बनेगा, तो ये सही है। ऑल द गैसेस बर्न टुगेदर, हां सभी गैसेस एक साथ बर्न होगी, पी टू एच फोर की प्रेजेंस होगी तो पीएच थ्री बर्न होगी, ठीक है, तो ये भी सही है। तो गलत स्टेटमेंट हमसे पूछा है तो आंसर आएगा फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन द एसएस लिंकेज H2O2-, सल्फर सल्फर लिंकेज है H2O2-2, फिर है H2O3-2, इसमें भी सल्फर सल्फर लिंकेज प्रेजेंट है। S3O9 ट्राइमर ऑफ SO3 का होल थ्राइज, इसका ट्राइमर है, इसमें नहीं है। H2O6 इसमें भी होगा, तो यहां विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन द एसएस लिंकेज, तो यहां हम ये कर देते हैं डू नॉट कंटेन, किसमें एसएस लिंकेज नहीं है, तो वो आंसर आ जाएगा S3O9। सल्फर सल्फर लिंकेज की बात की है तो किसमें नहीं है, तो वो S3O9 में नहीं है, ये वाला हो जाएगा आंसर थर्ड। नेक्स्ट, द एलिमेंट विथ मैक्सिमम एंड मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट इन द सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट में किसका मैक्सिमम और मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट है, पर ध्यान रहे यहां सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट का पूछा है, तो सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट में फर्स्ट वाले तो होगी स्कैंडियम टू जिंक, ये हो गई टाइटेनियम टू कैडमियम, तो हाईएस्ट तो होता है मोलिब्डेनम का और मिनिमम होता है कैडमियम का, ठीक है, तो आंसर चला जाएगा 4, और वैसे भी ऑप्शन चेक करोगे तो केवल एक ही दिया हुआ है। तो ये थे 120 क्वेश्चन, होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा, पूरी कोशिश की है मैंने कि हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग में आपसे बात करूं, इंफॉर्मेशन दो, ठीक है। ये था KMDTS डी ब्लॉक ए ब्लॉक मेटलर्जी का सॉल्यूशन, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।